Hi everyone, I'm Bhavna from EIC third year. Welcome you all on behalf of MicroBird, the techno club of GC Bose University of Science and Technology, YMC Faridabad, for workshop on advanced circuit and PCB designing day one. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. मेको आप लोगों के चैट्स तो विजिबल होंगे नहीं, तो फिर कोई भी अगर क्वेरी आए तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आस्क. ओके, ओके मैम, इज इट ओके? यस और नो, इज इट ओके? ओके मैम. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. सो ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव होगा, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, बहुत बेसिक सी है, आपको पता होंगी ऑब्वियसली, जस्ट एक इंटरैक्टिव सा सेशन है ये. मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि आप जिस सेशन में आए हो, जो इसका टाइटल है, उसके मीनिंग के बारे में. तो आप से पहले मैं पूछती हूँ कि व्हाई डू वी मेक अ सर्किट? सर्किट क्यों बनाते हैं हम? एनीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? मैम, किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, मतलब जो जिसमें बहुत ज्यादा वायर्स और सर्किट डिवाइस है, जो उनको एक सिंपल वे में कनेक्ट करने के लिए. एनीवन एल्स? सर्किट क्यों बनाते हैं? प्रैक्टिकली काम करने से पहले हमारे पास उसका प्रोटोटाइप हो कि कहाँ से क्या जोड़ना है. और कोई और? एक्चुअली आप दोनों ने बिल्कुल सही बोला कि सर्किट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज के. अगर कोई प्रॉब्लम बहुत छोटी हो तो उसके लिए सर्किट इज नॉट अ बिग डील. जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक बल्ब ग्लो करना है, तो आपको डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर दो एंड बल्ब ग्लो हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील. बट वेन वी आर एट बिग स्केल, वी आर एट लार्ज स्केल एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट, देन वी हैव टू मेक अ प्लान, वी हैव टू मेक अ सर्किट जिसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हम उसके डिटेल्स हों, उसकी कैसे कैसे उसकी माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक इंटरकनेक्शंस हैं, जो भी उस कंपोनेंट के अंदर के हैं और बाहर के हैं, जो भी उसके पिन्स हैं, वो सब पता लगने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम, एक प्रॉपर सर्किट बना होना जरूरी होता है. इससे सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही बता रखा है आपको कि सर्किट आपको ऑब्वियसली पता है सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. तो वही मैंने आपको अभी इसके अंदर भी यही मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे कि सर्किट मेकिंग, व्हाई सर्किट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाई सर्किट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट व्हाइल डूइंग समथिंग. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पीसीबी डिजाइनिंग? हमने फर्स्ट मीनिंग का मतलब तो समझ लिया, अब कोई मुझे, अच्छा पीसीबी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ओके, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. एंड पीसीबी होती क्या है? मैम, जो हम सर्किट डिजाइन करते हैं लैपटॉप में, उससे प्रिंटेड फॉर्मेट जिसके ऊपर हम रियलिटी में फिजिकली एंड ऑन हम कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं. हाँ, आगे यही होती है मैम शायद. अच्छा, कोई और? सही बोल रहे हो आप, कोई और? मैम, लेआउट प्रिंटेड बोर्ड के ऊपर प्रॉपर में एक पर्टिकुलर सिंपल वे में प्रिंटेड होते हैं, जो आप वायर को यूज ना करके नॉर्मली इसके अंदर के मटेरियल को प्रिंट कर देते हैं. हाँ, आप सभी सही बोल रहे हैं. एग्जैक्टली पीसीबी इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स. एज यू सेड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं, वो जो होते हैं, हम उसको ऐसी नॉर्मली जनरली हम उसे पीसीबी बोल देते हैं. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में गए होंगे, ठीक है, तो आपने उसके अंदर अभी फिलहाल जो डायग्राम्स बनाए होंगे वो बेसिकली आपने ब्रेडबोर्ड यूज करके बनाए होंगे, अगर किसी ने यूज किया हो तो. यस और नो? शायद ब्रेडबोर्ड तो देखा होगा, उसके ऊपर हाँ बनाए होंगे, तो उसके ऊपर आपने सर्किट्स बनाए होंगे, ठीक है. तो क्या होता है कि हम ब्रेडबोर्ड पे एक एक वायर ना लगा के हम जो सर्किट ब्रेडबोर्ड पे बना रहे होते हैं, वही सर्किट हम जो है उस एक लेयर होती है उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, जिसे हम पीसीबी कहते हैं. अब पीसीबी की लेयर होती क्या है, ठीक है, वो एक
जो होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर जो भी आपका जो भी सर्किट होता है ना उसके कॉपर के ट्रेसेस बने होते हैं, ठीक है, जो भी आपका सर्किट होता है उसके कॉपर के ट्रेसेस बने होते हैं एंड उसी ट्रेसेस के अकॉर्डिंग जैसे वायर्स वर्क करती है ना कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट को जोड़ती है, ठीक है, कॉपर के ट्रेसेस भी वही वर्क करते हैं कि जो भी उस सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स जो हम अटैच करते हैं ना वो उन्हीं सर्किट को, जैसे आप ब्रेडबोर्ड के अंदर वो जो पिंस लगे होते हैं हमारी सीरीज और पैरेलल के अंदर देखे होंगे आपने उसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जब हम कंपोनेंट्स को अटैच करते हैं तो वो जो उसके अंदर एम्बेडेड जो होता है स्ट्रक्चर वो उनको कनेक्ट करती है। तो पीसीबी में बस वही होता है कि जो आपकी वो जो पीसीबी की जो हमारे पास वो कॉपर क्लैड होता है, हमारे पास जो फ्रेम होता है उसके ऊपर हम कंपोनेंट्स को लगाते हैं और उसके अंदर जो जो भी उसकी जो लेयर्स होती है, जो भी उसके ट्रेसेस होते हैं वो एज जो वर्क करते हैं कि उसके अंदर कनेक्शन करने के लिए, कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली पीसीबी बनी किससे होती है, ठीक है, पीसीबी जो होती है ना रीइंफोर्स प्लास्टिक के साथ बनी होती है, इपॉक्सी भी कह सकते हो, कुछ कुछ मटेरियल जैसे यूज होते हैं, ठीक है, इनके साथ वो मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब बेसिकली आप देख, अगर किसी ने पीसीबी नहीं देखी है, वैसे तो शायद देखी होगी बट अगर किसी ने नहीं देखी है तो आपने देखा होगा कि ना चिप्स होती है कंप्यूटर के जो अंदर लगी होती है चिप्स होती है, उसके अंदर ना ग्रीन कलर के ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे लाइंस बनी होती है ग्रीन कलर की बहुत सारी, ठीक है, वो ट्रेसेस वो पाथ होते हैं कि वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कनेक्ट कर रही होती है, वो बहुत आपने ना बहुत सारी स्ट्रेट डायगोनल लाइंस एंड बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस देखी होंगी, वही वो कॉपर के ट्रेसेस हैं, उन्हीं के थ्रू जो है वो करंट ट्रेवल करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर एंड कनेक्ट करता है उन्हें। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो मैंने इसी के लिए यहाँ पे आपको डायग्राम विजिबल होगा, ठीक है, एक तो आपके सामने फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें लिखा है कंपोनेंट साइड, ठीक है, पीसीबी है, ठीक है, पीसीबी जो है हमारी उसका एक होता है कंपोनेंट साइड और एक होता है कॉपर ट्रैक साइड। जो कॉपर ट्रैक होते हैं ना जहां पे हमारे बनते हैं, ठीक है, उस साइड्स के अपोजिट साइड हम अपने कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पहले तो हम उन कॉपर ट्रैक्स को फॉर्म करते हैं, फिर उनके अपोजिट साइड जो है हम उन कॉम्पोनेंट्स को जो है अटैच करते हैं, जो इसमें शो भी हो रहा है, ठीक है, ये कंपोनेंट साइड है, यहाँ पे देखो वो सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं एंड नेक्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पे हमारी कॉपर ट्रैक साइड है जिसके अंदर कॉपर ट्रैक्स लगे हुए हैं। ओके, एनी डाउट्स? नो मैम। नो मैम। ओके, अब हमारी पीसीबी जो होती है ना वो तीन कैटेगरीज में होती है, ठीक है, एक तो होती है सिंगल साइडेड, ठीक है, एक होती है डबल साइडेड और एक होती है मल्टीलेयर्ड पीसीबीज, ठीक है। अब सिंगल साइडेड कौन सी होती है? सिंगल साइडेड वो होती है जिसमें एक साइड ही कंपोनेंट लगा हो आपका, ठीक है, वो होती है सिंगल साइडेड, जिसमें सिर्फ टॉप लेयर पे या फिर बॉटम लेयर पे एक कोई भी एक लेयर हो आपके और उसके ऊपर जो है एक पे तो आपके जो है वो पार्ट्स बने हो और एक पे आपके कंपोनेंट्स अटैच्ड हो, ठीक है। अब आती है आपके डबल साइडेड, ठीक है, डबल साइडेड वो होती है जिसके अंदर आपकी जो वो कॉपर की लेयरिंग होती है वो ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, ठीक है, कॉपर की लेयरिंग ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, जिस वजह से कॉपर का ट्रैक ऊपर भी बन पाता है नीचे भी बन पाता है, जिस वजह से कंपोनेंट्स ऊपर भी अटैच हो पाते हैं नीचे भी अटैच हो पाते हैं, इसीलिए इसका नाम है डबल साइडेड, ठीक है। अब आता है मल्टी लेयर्ड पीसीबी। मल्टी लेयर्ड पीसीबी वो होती है जिसके अंदर जो है मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ऊपर और नीचे तो अटैच होते ही हैं कॉम्पोनेंट्स बट इन बिटवीन भी अटैच होते हैं कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, वायर्स के थ्रू जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, इसके अंदर वायर्स होते हैं जो इन बिटवीन जो होते हैं लेयर्स के बीच में जो होते हैं कंपोनेंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये जो होता है बेसिकली जो होता है मल्टी लेयर्ड जो होता है वो आपका बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के अंदर यूज होता है, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन चाहिए होता है उसके अंदर यूज होता है, बाकी हम अपने जो हमारे लेवल पे हम बेसिकली सिंगल लेयर्ड यूज करते हैं और बहुत ज्यादा रेयर होता है हम डबल लेयर्ड भी यूज कर लेते हैं, बट बेसिकली हम सिंगल लेयर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर हमारी ऊपर की जो शीट होती है वो कॉपर की होती है और नीचे जो होती है वो हमारी वो ग्लास मिक्सचर जो होती है इपॉक्सी की होती है। एनी डाउट्स? नो नो मैम। ओके, तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर विजिबल है ये डायग्राम? यस मैम। यस मैम। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको इसके अंदर ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉपर लेयर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका सबस्ट्रेट है, वो सिर्फ एक जगह कॉपर लेयर है, ठीक है, डबल लेयर के अंदर आपका टॉप लेयर और बॉटम लेयर कॉपर लेयर, ठीक है,
दोनों के ऊपर जो है आपका दो जगह आपकी कॉपर की लेयर है, तो दो जगह कंपोनेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टी लेयर के अंदर जो है कॉपर फॉइल जो है, देखो इसके अंदर मल्टी लेयर में वैसे तीन दिखा रखे, मल्टीपल लेयर्स में होती है, ठीक है। पहले कॉपर लेयर होती है, फिर सबस्ट्रेट होता है, फिर कॉपर लेयर, फिर सबस्ट्रेट, ऐसे करके ना इन बिटवीन जो होता है ना वो आपस में कनेक्टेड होती है। एनी डाउट्स मैम, सबस्ट्रेट किस चीज का होता है? हाँ, सबस्ट्रेट किस चीज का होता है, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर की लेयरिंग होती है वो कॉपर की होती है, और नीचे की लेयरिंग जो होती है ना वो ग्लास की, या फिर ग्लास परफोरेटेड ग्लास, या फिर उसकी होती है इपॉक्सी की, इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। okay. उनकी बनी हुई होती है। ओके मैम, एनी डाउट्स? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है, अब पीसीबी की तो बात हो गई, ये सारी पीसीबी होती है वो होती है, अब पीसीबी के यूजेस क्या है? हमने पीसीबी बना तो ली, बट उसका यूज क्या होता है? एनीवन? मैम, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जैसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको मैकेनिकल प्रोवाइड करने के लिए पीसीबी यूज करते हैं। जैसे चार्जर हो गया, तो उसमें ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये सब तो पीसीबी पे हम डालेंगे, तब जाके एक चार्जर में उसकी बॉडी में फिट बनेगा वो। और भी कई सारे इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स में ऐसे होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया। इसने आंसर किया है? यस। अरे बताओ बताओ, किसने आंसर किया? अनुराग, तुमने? यस मैम। हाँ, वेल आंसर्ड। एंड बॉबी, तुमने भी सही बोला कि एग्जैक्टली जैसे अभी अनुराग ने बोला कि कंपैटिबल जो प्लेसेस होती हैं उसके अंदर हमें छोटे सर्किट डिजाइनिंग्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पीसीबी यूज करते हैं। कोई बोल रहा है कुछ? एनी डाउट किसी को? हेलो? नो मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे कि अभी अनुराग ने बोला कि बेसिकली जो होते हैं हमारे जो जहाँ पे जो छोटी छोटी प्लेसेस होती हैं, जैसे कि चार्जर होता है या फिर कोई भी, तो जो कंपैटिबल प्लेसेस होती हैं उसके अंदर हम चिप्स जिन्हें कहते हैं हम एक नॉर्मल, तो वो हम पीसीबीज जो होते हैं हम वहां पे लगा सकते हैं, और उस जो सर्किट को है उसको कंप्रेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो छोटा से छोटा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स आते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, इतने बड़े बड़े कि इतना बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेते थे। अब आज के टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि आज हमारे पास लैपटॉप्स, इवन टैब्स, एंड इवन बहुत छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर बहुत जल्दी जल्दी वर्क हो सकता है। हमारे इतने फास्ट प्रोसेसर्स आ गए हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ पीसीबीज की वजह से है। जैसे जैसे एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, पीसीबीज जो होती है वो बेसिकली जितने भी टेक्निकल पर्पसेस है, जितने भी एडवांस टेक्निकल पर्पसेस है, हर जगह यूज होती है, चाहे वो आपका इंडस्ट्री ऑटोमेशन इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईओटी हो गया, मेडिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एडवांस रिसर्च हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एनीथिंग। पीसीबीज आपको कहीं ना कहीं अपना स्पेस ढूंढ ही लेती है, हर किसी फील्ड में जरूरत पड़ती है पीसीबी इन वन वे और अदर वे, ठीक है। और पीसीबी मैंने अभी बताया था, इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि हाँ, पीसीबी जो हमें बेसिकली हमें जो है सिंपल वाली हमारे यूज में आती है, बाकी जो होती है कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर लेवल की चीजें होती है जैसे कि मदरबोर्ड्स होते हैं, उनके अंदर जो है मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं, जो मैंने अभी तुम्हें बताया 12 तक मल्टीपल लेयरिंग हो सकती है ताकि इंटरकनेक्शन हो सके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के बीच में। तो यूजेस क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, देन एक क्वेश्चन, तो फिर एडवांटेजेस क्या हुई पीसीबी की? अब इतना पढ़ लिया पीसीबी के बारे में, ये होता है वो होता है, यूजेस पढ़ लिया, अब एडवांटेजेस क्या होती है तुम बताओ? मैम, अगर ये खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करना भी काफी इजी होता है। अच्छा, और कोई एडवांटेज कोई और बताओ? तो स्पेस कम यूज होगा मैम इसे, तो एडवांटेज ये है। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि छोटी छोटी जगह में फिट करने वाला जो एडवांटेज है, हाँ जी, वो है मैम। हमें स्ट्रक्चर्ड वे में सेटअप मिल जाता है। सपोज करो, अगर पीसीबी ना होती, हम ब्रेडबोर्ड के ऊपर वायरिंग करते, तो वे काफी मैसी टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। ये पॉइंट किसने बोला? आर्यन? ये सच में बहुत अच्छा पॉइंट था, ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ था कि ये पॉइंट था कि अगर हम
ब्रेडबोर्ड्स लेते हैं, ब्रेडबोर्ड्स के अंदर हम सर्किट बना देते हैं, तो एक हमारे पास एक डिसएडवांटेज होती है कि ब्रेडबोर्ड्स के अंदर जो है सर्किट जो है शॉर्ट हो जाते हैं या फिर वो खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी चांसेस होते हैं डैमेज होने के सर्किट के, निकल जाती है पिंस। बट पीसीबी से जो होता है हमारे एक इंटैक्ट सर्फेस, एक मतलब कि एक हमारा पूरा कंपैटिबल बन जाता है, बिल्कुल सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं फिक्स हो जाते हैं एक जगह पे, जिससे कि हमारे फिर दिक्कत नहीं होती है, कंपोनेंट्स निकलते नहीं है, वायरिंग नहीं निकलती है उनकी, और वो हमारी लॉन्ग टर्म तक चलती है, खराब नहीं होती है चीजें। बाकी सबने भी, कामाक्षी जैसे बाकी सबने बोला, उन्होंने भी सही बोला कि जो जो होती है एडवांटेजेस ये होती है कि टाइट कनेक्शंस होते हैं, लो कॉस्ट होती है, ठीक है, और छोटी छोटी जगहों पे वो फिट हो सकते हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। और बहुत एक पॉइंट है इसके अंदर जो किसी ने नहीं बोला, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है ना वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं उसको यूज करके, एक बार को वो हमें एक प्रोवाइड करता है कि बड़े से बड़ा, जैसे मैंने बात करी थी जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह ये भी हार्डवेयर जितनी भी चीजें आती हैं इसके अंदर, हम बेसिकली जो होता है मल्टी लेयरिंग का यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट पीसीबी के थ्रू बना पाते हैं बहुत छोटे से स्पेस के अंदर, तो ये भी एक अचीवमेंट है पीसीबी की। अब एडवांटेजेस तो बहुत सारे पीसीबी की, बट डिसएडवांटेजेस भी होंगे ऑब्वियसली, कोई डिवाइस बनी है तो एडवांटेज के साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होगी। एनीवन हेलो, एम आई ऑडिबल? मैम मान लो कोई सर्किट बना दिया रो गलती से कुछ उसमें मिस्टेक हो गई, तो उसमें मतलब मान लो गलत प्रिंट हो गया, तो मतलब एक इनिशियल एंड से उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। नॉर्मल वायरिंग में हम एक वायर को हटा सकते हैं, इसमें पूरा मतलब इनिशियल स्टेट से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, योगेश ने पॉइंट ठीक कहा। और कोई पॉइंट, कोई और? सपोज मैम जब हम कंपोनेंट्स को लगा रहे हैं पीसीबी पर, और इमेजिन करिए छोटी सी पीसीबी पर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि दो कंपोनेंट आपस में ना इकट्ठे सोल्डर हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट केस बन जाते हैं, तो केस में फिर हमें दिक्कत आ जाती है वो पीसीबी से रिमूव करने में, कई बार क्रैक आ सकता है पीसीबी के ऊपर। हाँ, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, अभी योगेश ने बोला एंड देन आर्यन ने। और कोई पॉइंट मैम इसमें, जैसे कॉपर वायरिंग जो क्लोज होती है, अगर डस्ट वगैरह से सर्किट शॉर्ट हो सकते हैं तो वो डिसएडवांटेज है। सही बोला मैम, सर्किट की प्रैक्टिस में टाइम ज्यादा लगता है। विकास ऑडिबल नहीं हो तुम, एक बार दोबारा बोलो। हम जो सर्किट में प्रैक्टिस करते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगती है, वो सब ब्रेड बोर्ड यूज करते ज्यादा अच्छा। हाँ, एक टाइम लगता है, बट वो टाइम हम इस वजह से लगाते हैं, वैसे ब्रेडबोर्ड में भी एक टाइम लगता है, बट पीसीबी का तो मतलब ही यही है कि हमें लॉन्ग टर्म में यूज करना है, इसीलिए वो टाइम लगता है। बाकी जो सबने पॉइंट्स बोले बिल्कुल सही बोले हैं कि एक तो कि अगर हमारा सर्किट गलत बन जाए तो हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम कभी कभी ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे कंपोनेंट्स के जो पिंस के बीच में बहुत छोटा छोटा सा गैप होता है, फिर जब हम उसे सोल्डर करते हैं तो फिर क्या होता है कि बीच में जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं आपस में, तो एक तरह से पास शॉर्ट हो जाते हैं, तो फिर किसी भी हमारी वर्क नहीं करती, ये एक पॉइंट है। कभी कभी थर्मल शॉक भी लग जाते हैं, किसी ने नहीं बोला, थर्मल शॉक भी लग जाता है। और कुछ कुछ पीसीबीज जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती है, जैसे तुमने देखा होगा मार्केट में कुछ पीसीबीज का रेट जो होता है, सेम टाइप की पीसीबी होगी, कोई कंपनी जो थी तुम्हें ना पीसीबी वो महंगी दे रही होगी और कोई कंपनी तुम्हें पीसीबी वही पीसीबी सस्ती दे रही होगी, तो कुछ पीसीबी में वो कुछ ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनाते हैं कि उसका वही एक सेम टाइप की पीसीबी जो होती है वो महंगी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है उसकी, वैसे बहुत कम है बट हाँ कुछ है। मैंने थर्मल शॉक क्या होता है भी आपको बीच में नाम लिया था। हेलो, या मैम थर्मल शॉक क्या होता है, आपने भी नाम लिया था बीच में। हाँ, थर्मल शॉक मैंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम हो जाती है पीसीबी के अंदर, ठीक है, कि आपके जो कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, जैसे आपने पीसीबी पकड़ी हुई होती है, ठीक है, एंड आपने कुछ करंट दिया होता है, तो कुछ रीजन की वजह से कुछ शॉर्ट हो रही होती है चीज, ठीक है, उस वजह से आपको शॉक भी लग सकता है अगर आपका वो जो है पॉइंट्स जो है वो शॉर्ट हो गए आपस में, ठीक है। तो आपको अगर बाय चांस आपने वो जो कॉपर वाली जो साइड है उसको टच कर लिया या फिर उस कंपोनेंट को टच कर लिया तो हो सकता है शॉक लग सकता है। ओके मैम, एनी डाउट्स? मैम इसमें एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा मैं। हाँ बोलो।
डिसएडवांटेजेस में मैम एक अगर हम सिमिलर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को अगर एक साथ यूज करते हैं तो एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो एक ये भी एक डिसएडवांटेज होता है इसमें. सही बोल रहे हो. एनी पॉइंट कोई और फर्दर ऐड करना चाहता है लाइक रक्षित? सो लेट्स मूव फर्दर. ओके, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्लियर है, यूजेस क्लियर है, पीसीबी के पीसीबी होती क्या एंड व्हाई वी मेक सर्किट इज क्लियर, मीनिंग क्लियर है क्या आपको? यस मैम. ओके, तो हमें अब ये पता चल गया कि हम जिस वर्कशॉप के लिए आए हैं हमारा उसके अंदर मीनिंग क्या है, हमने एक एक टर्म का मीनिंग समझ लिया. अब जो हम वर्कशॉप जिसपे करने वाले हैं, ठीक है, जिसके हम सर्किट बनाने वाले हैं, स्कीमेटिक बनाने वाले हैं और जिसकी हम पीसीबी बनाने वाले हैं, आगे डिजाइन करने वाले हैं, तो वो किस टॉपिक पे बनाने वाले हैं अब हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, बट हाँ उससे पहले किसी को पता है क्या आइडिया कि पीसीबी कैसे बनती है? वैसे तो पीसीबी जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे पीसीबी सारी ऑटोमेटिकली बनती है वाया मैकेनिकल थिंग्स एंड, बट किसी को पता हो पीसीबी मैन्युअली कैसे बनती है? किसी ने बनाई है? थोड़ा सा मैम ब्रीफ कर दें, पहले डिजाइन करते हैं फिर उसके बाद उसका फोटो पेपर पर प्रिंट आउट लेके हम एक बोर्ड के ऊपर हम उसे प्रेस कर देते हैं. देन उसके बाद हम उस पेपर को उतार कर जहाँ जहाँ पर कॉपर होता है वहां पर हमारा वो एक ब्लैक ब्लैक आ जाता है सॉल्यूशन, ब्लैक ब्लैक लाइन आ जाते हैं, उसको हम बाद में एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन में वॉश कर लेते हैं एंड देन बाद में वहां पर मार्कर से मतलब मार्किंग करते हैं जहाँ पर मार्क किया, जिससे कि मतलब कॉपर जो वायरिंग वाला एरिया उसको अफेक्ट ना करे वो सॉल्यूशन और बाकी वाला उतर जाता है, जिससे मतलब अपने पास एक प्रिंटेड डिजाइन सा आ जाता है, फिर उस मार्कर को हटा देते हैं. उसके बाद होल्स ड्रिल करने पड़ते हैं, फिर कॉम्पोनेंट्स को सोल्डर करते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा बॉबी और आर्यन ने. अगर आपको अगर मैन्युअली एक पीसीबी बनानी है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. अगर आपको बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्किट लो आप जिसका बनानी है आपको पीसीबी, या तो आप इंच पेपर पे उसे ड्रॉ कर लो, या फिर आप वाया प्रोटीएस सॉफ्टवेयर या फिर कोई और सॉफ्टवेयर उसके थ्रू जो है आप उस सर्किट को ड्रॉ कर लो. ठीक है, जब आपके पास सर्किट डायग्राम आ जाएगा उसके बाद जो है जो आपकी जितने भी आपने कॉपर क्लैड लिया है, कॉपर क्लैड मतलब कि जिस पीसी वो पीसीबी जिसके ऊपर कॉपर की लेयर है, ठीक है, जिसपे आप बनाने वाले हो अपना सर्किट, जब आप कॉपर क्लैड लोगे अपने साइज का जो ले लोगे आप उसको अपने साइज के अकॉर्डिंग कट करने के बाद जो भी आप साइज का लोगे उसके ऊपर फिर आप उसको इम्प्रिंट करोगे, या तो आप उसको ड्रॉ कर लो अपने हाथ से वाया मार्कर जो अभी इन्होंने बोला, या फिर आप जो भी उसको प्रिंट करवा लो उसे, ठीक है, इंकजेट प्रिंट उसको प्रिंट करवा लो लेजर प्रिंटर के थ्रू जो आपने प्रोटीएस का आपने बनाया था उसको लो. ठीक है, उसके बाद जो है आयरन लो, आयरन से ना गरम करके उसको पहले तो एकदम फोल्ड कर दो अपने पीसीबी के आर पार. ठीक है, जो भी वो पेपर है ना वो पीसीबी अंदर रखो और पेपर को फिर लगा दो बिल्कुल सेट करके, फिर आयरन लो, आयरन से उसको गर्म कर दो ताकि इस तरह से ये हो जाए कि आपका जो भी वो सर्किट है ना वो इम्प्रिंट हो जाए आपकी पीसीबी के ऊपर. ठीक है, जैसे ही वो आपके पीसीबी के ऊपर इम्प्रिंट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, उसके बाद आप उस पेपर को रिमूव कर लेना. उसके बाद पहले आप ड्रिल कर लो, क्योंकि अगर आप पहले ड्रिल कर लोगे ना उन पॉइंट्स को तो फिर बाय चांस अगर बाद में आप जब एच करोगे तो फिर आपका अगर बाय चांस ड्रिल के बाद ना कुछ कॉपर हट जाती है तो कभी कभी ये होता है कि एंड्स खराब हो जाते हैं वो जो जहां पर ड्रिल के होते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगी सबसे पहले आप ड्रिल कर लो. ठीक है, जो भी आपके पास आया वो इम्प्रिंट होके कॉपर क्लैड के ऊपर उसको पहले ड्रिल कर लो अपने जो भी साइज अकॉर्डिंग, वो अलग अलग साइज की आती है ड्रिल्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसे ड्रिल कर लो. उसके बाद उसको फेरिक्लोरिक सॉल्यूशन के अंदर उसको एच कर लो. एच करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपकी बाकी लेयर हट जाएगी कॉपर की जो भी उस कॉपर क्लैड के ऊपर होगी, और जहां जहां आपने सर्किट की लाइन ड्रॉ कर रखी होगी जो भी आपका सर्किट होगा सिर्फ वो रह जाएगा और बाकी सब कॉपर की लेयर हट जाएगी. उसके बाद आपको अपने सारे कंपोनेंट्स लेने हैं, उन कंपोनेंट अटैच करना है अपोजिट साइड से, जो मैंने आपको कंपोनेंट की साइड दिखाई थी उस साइड से आपको अटैच करने हैं, और उसके उल्टी साइड जहां पे आपके कंपोनेंट्स के पिन्स हो उस साइड पे आपकी कॉपर की जो वो ट्रैक्स हैं जो ट्रेसेस हैं वो वहां होने चाहिए. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उन्हें सोल्डर करना है. आप उन्हें सोल्डर कर दोगे उसके बाद आपकी पीसीबी रेडी हो जाएगी. उसके बाद आप किसी मल्टीमीटर वगैरह या फिर आप पहले भी चेक कर सकते हो उन पॉइंट्स के अंदर कोई शॉर्ट तो नहीं है वगैरह वगैरह, मल्टीमीटर से चेक करके अलग अलग पॉइंट्स पे.
तो ऐसे पीसीबी रेडी हो जाएगी मैनुअली। किसी को कोई डाउट? मैम मैंने ये कभी पहले करा नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। देखो पहले तो आपने ना पीसीबी इस साइज की काट ली अपने साइज के अकॉर्डिंग, जितनी आपको साइज की चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना क्या करा आपने, जो आपका जो सर्किट है उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सर्किट का डायग्राम आपने इंच पेपर पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने क्या करा, उसको बटर पेपर पे लिया, ठीक है। बटर पेपर से ट्रेस कर लिया आपने उस डायग्राम को, ठीक है। उसके बाद आपने उस बटर पेपर से ट्रेस करने के बाद आप उसको ना अपने पीसीबी में अपने कॉपर क्लैट के ऊपर रख दो। ट्रेस कर लोगे उसे, जिसने क्वेश्चन पूछा था येस और नो, ठीक है। तो उसको ट्रेस कर लोगे, ठीक है। ट्रेस कर लोगे उसके बाद आप उसमें मार्कर से ड्रॉ कर लो, एक तो ये तरीका हो गया। या फिर आप प्रोटीज के थ्रू जो है वो आप अपना बना लो सर्किट डायग्राम, उसको निकालो बाहर, ठीक है। अपनी पीसीबी के अराउंड रैप कर दो, आयरन कर दो, आयरन कर दोगे जो एक तरह से जैसे टैटू नहीं होता, जैसे बचपन में करा होगा सबने तो टैटू, वो इम्प्रिंट हो जाता है हैंड पे, बिल्कुल वही वही चीज होती है, ठीक है। तो वो आपका जो है वो पीसीबी पे इम्प्रिंट हो जाएगा। पीसीबी पे जैसे ही इम्प्रिंट हो जाएगा आप उसको ना ड्रिल कर दो, जहां पे भी आपके कंपोनेंट्स के होल्स करने हैं ना, कंपोनेंट अटैच करना है, वो ड्रिल कर दो उसको सबको, ठीक है। वो आपके पॉइंट बना रखे होंगे। उसके बाद क्या करना है, फेरिक फ्लोराइड सोल्यूशन डालना है एक इसके अंदर। देखो ये फेरिक फ्लोराइड सोल्यूशन दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या करना है, पीसीबी को डालना है और फिर इसको हिलाना होता है इस पूरे बॉक्स को, ताकि क्या हो जाए जल्दी 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 आपकी कॉपर की लेयर हट जाए, ठीक है। उसके बाद कॉपर की लेयर हट जाती है और जो भी आपकी वाली देखो दिख रही है ना इसके अंदर, सिर्फ कॉपर की वो वाली ट्रैक्स वाली लेयर बचती है। यस मैम, ठीक है। वो मार्कर आप हटा लोगे, हाँ पानी से वॉश कर लेना, बाहर आ जाएगी। पानी से जैसे ही वॉश करोगे उसको थोड़ा सा वो आयरन वूल से रिगड़ लेना उसे, ठीक है, वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ कॉपर ट्रैक्स रह जाएंगे इसके अंदर। यस मैम, आप कोई डाउट? मैम एक जनरल डाउट है मैम, आपने भी कहा कि हम मार्कर को वॉश करकर बाद में आयरन वूल से हम उसे एक बार उसे घिस लेते हैं। हाँ। मैम इसकी थिकनेस कितनी होती है इसकी कॉपर की? ये डिपेंड करता है आप कौन सी पीसीबी लेते हो। तो वैसे एक जनरल डाउट आया था कि अगर हम आयरन वूल से साफ करते हैं तो क्या कॉपर नहीं हट जाता उस पर? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो आपके पता है, आप जब ऐसे करोगे ना सिर्फ फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर, तो आपका मार्कर कुछ हट भी जाएगा उसके अंदर से जब आप दो तीन बार, ऐसा कोई नहीं है। कॉपर आपका वही इंटैक्ट इम्पैक्ट, मतलब कि जहां पे वो रहता है ना वो वही रहता है, ठीक है। वो हम मार्कर इसीलिए लगाते हैं कि उस पोजीशन के अंदर जो है वो रिएक्शन ना हो। एक्चुअली एक तरह से एक समझ लो, एक आयरन और कॉपर के बीच में रिएक्शन ही तो हो रहा है, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो वो रिएक्शन वहां पे ना हो इस वजह से हम ये करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े अपने टॉपिक की तरफ, जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं इन दो दिन के वर्कशॉप में। यस मैम। ओके तो जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, जिसका हम स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे एंड जिसका हम पीसीबी ड्रॉ करेंगे, वो उस प्रोजेक्ट का नाम है कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट यूजिंग काउंटर। हम ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करेंगे, जो ट्रैफिक लाइट होती है हमारी रेड ग्रीन रेड येलो ग्रीन, तो जब वो चेंज होती है रेड से येलो, येलो से ग्रीन, वो कैसे फिर दोबारा से रेड हो जाती है कुछ उसके बाद टाइम बाद दोबारा येलो फिर ग्रीन, ये हम बनाएंगे, एक छोटा मॉडल बनाएंगे वाया प्रोटियस, ठीक है। तो हम ये तुम्हें बताएंगे कि कैसे बने गए, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगा हमारे कॉम्पोनेंट्स जो यूज होंगे वो होंगे हमारे डायोड्स, एलईडीज रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, 4017 डिकेड काउंटर एंड 555 टाइमर आईसी, ठीक है। आपको जनरली पता ही होगा डायोड्स क्या होती है, एलईडीज क्या होती है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, एंड इस डायग्राम के अंदर ये डायग्राम शो हो रहा है सबको, ये छोटा है, कंपोनेंट्स दिख रहे हैं इसके अंदर के, ये जो डायग्राम है बता दो, दिख रहा है मैम? मैं स्लाइड शो कर देती हूँ, ठीक है। Yes, अब दिख रहे हैं कॉम्पोनेंट्स? हाँ, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे तो मैं डायोड्स दिख रही होंगी, ठीक है, जहां मैं कर्सर कर रही हूँ, मेरा कर्सर हिलता हुआ दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, यहाँ पे तो मैं डायोड्स दिख रही होंगी, यहाँ पे तो मैं एलईडी दिख रही है, रेड येलो ग्रीन मेंशनड है, ये तुम्हारे रेजिस्टर्स हैं, ये तुम्हारे कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये ग्राउंडेड है,
ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे ये है 555 टाइमर, ठीक है, और ये है तुम्हारा काउंटर, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सारे कॉम्पोनेंट्स बता दिए, ये तुम बनाओगे, अभी तुम्हें बनवाएंगे हम ये, ठीक है, जिसके अंदर से तुम्हें डायोड का मीनिंग पता है, एलईडीज का, रेजिस्टर्स का, कैपेसिटर का, तुम 11th क्लास से पढ़ रहे हो इस चीज को। तो बाकी जो तुम्हारे लिए न्यू टर्म्स हैं वो है 4017 डिकेड काउंटर एंड देन 555 टाइमर आईसी। तो मैं उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी, ठीक है, जो आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर यूजफुल होगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वो की पॉइंट्स बताऊंगी, तो मेरे साथ साथ सुनना उसको। यस और नो? यस। तो पता चल गया ना तो प्रोजेक्ट किसे बनाने वाले हैं इन दो दिन के वर्कशॉप के ऊपर? यस मैम। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा डिकेड काउंटर। अच्छा काउंटर क्या होता है? काउंटर, अच्छा कुछ वर्ड से समझ आ रहा है काउंटर क्या होता है थोड़ा बहुत? जो काउंटर करेगा किसी एक्शन को, किसी के अगेंस्ट को, कुछ कुछ काउंट करेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कुछ, हाँ काउंटर वर्ड से, हाँ कुछ काउंट करेगा, बिल्कुल ठीक। मैं बताती हूँ क्या होता है काउंटर। काउंटर क्या करता है, आपकी ना वैल्यूज को काउंट करता है एक तरह से, एक तरह से वो वैल्यू काउंट करते हैं, जैसे आपका कुछ भी आप काउंट करते हो, अगर ह्यूमन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर काउंट करता है, ठीक है, जो भी आपकी जो भी आईसी होती है वो काउंट करते हैं। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी पता होगा सबको आईसी क्या होती है, ठीक है। तो आपकी जो आईसी होती है ना वो क्या करती है, काउंट करती है 1 2 3 4 वो अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग। अब डिकेड का मतलब क्या है, डिकेड और बीसीडी, बीसीडी मतलब की वो जो है वैल्यू 10 तक काउंट करेगी, ठीक है। काउंट तो आप कितना भी लंबा कर सकते हो, कितना भी, वो डिपेंड करता है, ठीक है, बट बीसीडी आपको ये बोलता है कि आपको 10 तक काउंट करना है सिर्फ। नाम क्लियर हो गया सबको? मैम 10 मतलब 10 डिजिट्स तक काउंट करती है? 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है ना बेसिकली, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक मतलब 10 काउंट। ओके मैम, क्लियर है सबको, आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। ओके, मैंने बारी बीसीडी रिपीट कर दी, बीसीडी का क्या मतलब है? हाँ बीसीडी, बीसीडी मतलब कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जो आपका बाइनरी कोड है उसको डेसिमल में कोड करना, ठीक है। बाइनरी और डेसिमल का मतलब तो पता ही होगा ना, बाइनरी नंबर इज 0 1 एंड डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4, है ना, तो वही है, ठीक है। बीसीडी बेसिकली जो होता है आपका अप टू 10 डिजिट्स तक काउंट करता है, जो मैंने अभी आपको बोला, इसमें लिखा भी हुआ है, अ बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी इज अ सीरियल डिजिटल काउंटर दैट काउंट्स 10 डिजिट्स, ठीक है। जैसे ही वो 10 डिजिट काउंट कर लेगा वो वापस से अपने पुराने जगह पे आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है, एंड वो फिर से 10 तक काउंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि बीसीडी काउंटर एक ऐसा काउंटर होता है जो काउंट करता है वैल्यूज को, पहले 0 से लेकर 9 तक काउंट करता है, फिर दोबारा वापस आ जाता है, फिर दोबारा वो वही साइकिल शुरू करता रहता है, ठीक है। अब बीसीडी का मतलब समझ आ गया है ना सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, तो अब इसका पिन डायग्राम, अब जो हमारी आईसी है उसका पिन डायग्राम समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पिन डायग्राम विजिबल है, सबको दिख रहे हैं जो भी लिखा हुआ है, छोटा तो नहीं लग रहा? विजिबल है ना, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर जो है तुम्हारे पिन, मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, चलो मैं 1 से स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे तो मैं दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10 11, ये सारी पिन्स दिख रही है तुम्हें, ठीक है। और इस पे लिखा हुआ है आउटपुट 0 1 2 3 अप टू 9, जो मैंने तुम्हें क्या कहा था अप टू 9 तक काउंट करता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप समझ आ रहा होगा मैंने जो तुम्हें टॉपिक बोला है, आईसी भी देखो वैसी ही है, ठीक है। ये आउटपुट पिन्स है, ये आउटपुट देते हैं आपको हर एक काउंट पे, ठीक है, 0 1 2 अप टू 9, ठीक है। उसके बाद आप एक पिन देख रहे होगे, 8 ग्राउंड पिन, ग्राउंड पिन सबको पता है 0 वोल्टेज, ठीक है। वी पॉजिटिव मतलब कि वी पॉजिटिव इज इक्वल टू 16th पिन जो होती है आपकी वीसीसी की पिन होती है, ठीक है। 15th पिन होती है रीसेट की, रीसेट मतलब कि जो भी आपका सिस्टम है उसको वापस से एकदम बिगनिंग से स्टार्ट कर देना, रीसेट मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश टर्म्स में भी यही मतलब होता है कि दोबारा से स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद होती है क्लॉक, क्लॉक जो होती है ना वो आपको ना पल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। पल्स का मतलब समझ रहे हो ना, आपको जो पल्स होती है आपकी स्क्वायर वेव्स होती है,
मैं बताऊंगी कैसे जनरेट होती है, ठीक है, बट वो पल्स प्रोवाइड होती है, जैसे स्क्वायर वेव तो देखी होगी सबने, यस और नो? यस मैम। हाँ हाँ, तो जैसे वो स्क्वायर वेव जो होती है ना, वो जो होती है ये क्लॉक पल्स उसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब उसके बाद होता है आपका इनेबल पिन, ठीक है। इनेबल पिन क्या होता है, ये पिन जो होती है, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, ये डिसेबल पिन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये जो पिन जो होती है ना, उसके अंदर ये पल्स ना रिसीव करना बंद कर देती है अगर ये एनेबल हो जाती है तो, ठीक है। एक तरह से आप डिसेबल पिन ही कह सकते हो, अगर आपने इस पिन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आप जो भी आप पल्सेस ले रहे हो ना इस क्लॉक के थ्रू, ये इसको लेना बंद कर देगी, ठीक है, स्टॉप कर देगी ऑपरेशन को, ठीक है। अब उसके बाद होता है कैरी आउट। कैरी आउट जो होता है ना, कैरी आउट फॉर एग्जांपल, आपको ना एक से ज्यादा ना ये काउंटर कनेक्ट करना है, मैं आप कह रहे हो मैं 9 तक कनेक्ट, मैं 9 तक काउंट कर पा रहा हूँ, मेरे को 9 से ज्यादा बार काउंट करना है, ठीक है, तो आप इसके अंदर ना एक और लगा दोगे, ठीक है, आपको लगाना है 4017 और एक और लगानी है, तो फिर आप इसके लिए जो आपका यूज होता है ना वो कैरी आउट यूज होता है। अगर आपको एक से ज्यादा कनेक्ट करनी है 4017, ठीक है, काउंट करने के लिए आपको काउंट का नंबर इंक्रीज करना है अगर, तो कैरी आउट वाली यूज हो जाती है, ठीक है। पर मैक्सिमम आप 3 यूज कर सकते हो, अगर आपको 3 से ज्यादा यूज करने हैं तो बेटर है आप कुछ और यूज करो, ठीक है। तो इसके तो मैक्सिमम 3 यूज करना, नहीं तो फिर वो ढंग से वर्क नहीं करता। तो पिन्स का मतलब सबको समझ आ गया? कोई पिन में कोई डाउट? नो मैम। मैम कैरी आउट को नेक्स्ट 4017 में कहां पर कनेक्ट करेंगे, अगर कोई सेकंड आईसी लेते हैं तो? हेलो, यस मैम, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो मैम, यस मैम, आप ऑडिबल हो मैम? एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि हम कैरी आउट को एक दूसरी पिन, दूसरी आईसी के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं पल्स पिन की? अच्छा, दूसरी अगर उसके अंदर कनेक्ट करना है तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, या तो तुम ब्रेडबोर्ड के थ्रू कनेक्ट कर दो, ठीक है, या फिर तुम पीसीबी के थ्रू कनेक्ट कर दो उसे। नहीं मैम, जैसे यहाँ पर कैरी आउट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वहां पर इस वायर को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? अच्छा, क्लॉक में कनेक्ट कर दो उसको दूसरे के। ओके, जो भी कैरी आउट आएगा ना उसको क्लॉक में कनेक्ट कर दो, कनेक्ट। अच्छा, तुम वैसे पूछ रहे थे, हाँ क्लॉक में कनेक्ट कर दो तो। ओके मैम, और कोई डाउट? पिन समझ आ गई ना सबको? यस मैम। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, अब देखते हैं वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब ना मेरे कर्सर पे ना ध्यान रखना, जब मैं जहां जहां मैं अपना कर्सर दूं, और बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा एक क्लॉक है, एक क्लियर है, ठीक है। क्लियर का मतलब होता है कि अगर आप इसको जीरो देते हो ना, क्लियर मतलब यहां से कुछ भी इनपुट आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसको जीरो देते हो तो ये आउटपुट के अंदर आपको जीरो देगा। कुछ भी दे दो क्लियर में, आप क्लियर में आप जैसे जीरो दोगे तो क्लियर आपको आउटपुट में क्या देगा, आपको हमेशा जीरो देगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये क्लॉक, मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है हमें, पल्स कैसे जनरेट होगी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके देख रहे होगे, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप्स कुछ नहीं होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, आपकी बस मेमोरी होती है, मेमोरी होती है, जैसे कोई भी इनपुट आया तो इनपुट को स्टोर करके रख लिया, ठीक है। और क्लॉक का काम क्या होता है, उस इनपुट को बार बार चेंज करना, ऑसिलेट होके, ऑसिलेट मतलब कि वो जो स्क्वायर वेव्स होती है ना उसकी, ठीक है, उसको चेंज करती है बस बार बार, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता, बट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ फिर भी, ठीक है, आपको दोबारा इस चीज को देखोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत डेप्थ वाली चीज है, बट मैं एक ऊपर से ग्लैंस दे रही हूँ आपको, ठीक है, तो साथ साथ में चलना, ओके। फ्लिप फ्लॉप्स बस मेमोरी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज हुआ हुआ है, डी फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ हुआ है। डी फ्लिप फ्लॉप के इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं जाना हमें। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप इनपुट देते हो वही आउटपुट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनपुट में जीरो दे दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। अगर मैंने आउटपुट में इनपुट में वन दे दिया तो मुझे आउटपुट में वन मिल जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जीरो दे दिया तो जीरो मिल जाएगा, वन दे दिया तो वन मिल जाएगा। डी क्यू, डी मतलब कि इनपुट, क्यू मतलब कि आउटपुट। जीरो दे दिया तो जीरो मिल जाएगा, वन दे दिया तो वन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करा मैंने, क्लियर को जीरो दे दिया, ठीक है, मैंने क्लियर को जीरो दे दिया और इसके अंदर क्या हुआ, फिर क्लियर को मैंने जैसे जीरो दिया, ठीक है, तो जैसे मैंने क्लियर को जीरो दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, Q3 जो हो गया हमारा क्या आएगा, अभी मैंने बताया था क्लियर में जीरो देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो Q3 बार क्या होएगा, Q3 बार मतलब कि उसका उल्टा वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होएगा आपका वन जो होएगा, अब देखो ये कनेक्टेड किससे है, ये किससे कनेक्टेड है, डी नॉट से कनेक्टेड है। अब तो डी नॉट को हमें इनपुट क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। अभी फिलहाल क्या दे रखे थे, इन सबको हमने इनपुट जीरो जीरो दे रखे थे सबको, ठीक है, अभी सबको जीरो दे रखे थे, मतलब कि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है। अभी इनपुट हमने कुछ दिया नहीं है, अभी इनपुट सिर्फ यहाँ पे आया है। तो जो हमारी फर्स्ट टेबल है यहाँ पे, हमने यहाँ पे देख रहे हो गए, कर्सर दिख रहा है ना सबको, अगर कर्सर ना दिखा तो मुझे बता देना, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने जो आउटपुट दे रखे हैं, तो अभी हमने सबको जीरो 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 दिया, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, Q0, Q1, Q2, Q3, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है Q0, Q1, Q2, Q3, ये हमारे आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारे क्या है, जीरो जीरो हुए हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्लियर, ठीक है। अब हमने इसको जीरो जीरो दिया, अब इस वजह से क्या है, हमारा Q3 जो है वो किससे क्या आ गया, हमारा वन आ गया, एंड वन हमारा नया इनपुट बन गया, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल के अंदर, ठीक है। जब हमारी क्लॉक साइकिल जो होगी, इसका क्लॉक साइकिल, अभी नीचे वाले एरो का मतलब है कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब कुछ भी नहीं होता है कि आपकी क्लॉक साइकिल जो है इस टाइम पे वर्क कर रही है, बस ये समझ लो, इस टाइम पे ये वर्क कर रही है, वर्किंग कंडीशन में है, बस ये समझ लो, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, जैसे आपने इसको क्लॉक साइकिल दी, ठीक है, अब क्या आ गया, यहाँ पे वन आ गया आपके पास, ठीक है, वन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, डी जो है, डी क्या देगा आपको, आउटपुट देगा। डी कैसा आउटपुट देता है, जो इनपुट देते हो वही आउटपुट में दे देता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे दिया वन वन, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा, वन वन दे देगा। तो यहाँ पे पहली साइकिल में इसने आउटपुट पे वन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे जीरो ही रहेगा, यहाँ जीरो ही रहेगा, जीरो रहेगा, इस इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स में कुछ काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इनपुट किसको मिला, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट साइकिल होगी, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जीरो मिला एंड में, तो आउटपुट क्या आया हमारे पास, जीरो आया Q3, ठीक है। दोबारा Q3 क्या हो गया, वन हो गया, वन हो गया Q3, दोबारा से वन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ दोबारा वन मिला। अब के बाद यहाँ पे भी एक वन है, यहाँ पे भी एक वन है, ठीक है। यहाँ वाला वन जो होगा ये D1 से कनेक्टेड है, तो ये इसके लिए एक इनपुट वन बन गया, जैसे यहाँ पे, यहाँ से हमारा इनपुट क्या बना था, वन बन गया था, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पे वन बन गया था। ऐसे यहाँ पे एक इधर से, जैसे यहाँ से आया वन, यहाँ से आया वन, समझ गया क्या, हम थोड़ा फास्ट हो गए, एक बार रिपीट करना, थोड़ा टाइम कम है तो प्लीज साथ में चलना, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से समझ लेना, ठीक है, बस, ठीक है। हमने इसको क्लियर दिया पहले, ठीक है, क्लियर हमने जीरो दिया, तो क्लियर अगर हम जीरो देंगे तो आउटपुट के अंदर भी हमारा जीरो आएगा, ठीक है, आउटपुट के अंदर हमारा जीरो आएगा, तो हमारा Q3 बार जो है वो किससे कनेक्टेड है, डी नॉट से कनेक्टेड है। Q3 बार क्या होएगा, हमारा जीरो का अपोजिट वन होता है, तो वन क्या आ जाएगा, हमारा इनपुट में आ जाएगा। तो फर्स्ट साइकिल के अंदर जब हमारे सारे आउटपुट जो है जीरो है, तो उसके अंदर वो एक इनपुट जनरेट करते हैं डी नॉट के लिए वन, ठीक है। अब वो जो डी नॉट के लिए वन इनपुट जो जनरेट होता है, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या होगा कि इस फ्लिप फ्लॉप का अंदर ऑपरेशन होगा, जैसे इस फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन होगा तो वन के आउटपुट में क्या देगा, डी नॉट, डी क्या करता है, डी क्या करता है, जो होता है वो वही दे देता है जो मिलता है उसे, ठीक है। तो ये जीरो, तो इसको वन मिला है यहाँ पे, तो वन का आउटपुट क्या दे देगा, वन दे देगा। इन फ्लिप फ्लॉप को कुछ नहीं मिला था अभी तक, ठीक है, तो ये जीरो का आउटपुट इन्होंने भी जीरो दिया, इनका इन्होंने भी जीरो का आउटपुट जीरो दिया, जीरो का आउटपुट जीरो दिया, ठीक है। फिर से जीरो का आउटपुट जो है उल्टा क्या होगा, वन होगा, एक नया दोबारा से इनपुट जनरेट हो जाएगा डी नॉट के लिए। अब यहाँ पे जहां एक नया इनपुट जनरेट हुआ है डी नॉट के लिए अलग अनदर साइकिल के अंदर, यहाँ पे क्यू नॉट ने भी एक वन आउटपुट दिया था पिछली साइकिल की वजह से, तो वो डी वन के लिए इनपुट हो गया, ठीक है। तो इस साइकिल के अंदर डी नॉट जो होगा दोबारा से हमें वन इनपुट देगा, डी वन जो होगा फिर हमें वन इनपुट देगा, डी टू को हमने कुछ नहीं दिया, डी थ्री को हमने कुछ नहीं दिया, तो ये जीरो आउटपुट ही देंगे, ये जीरो देगा, फिर से एक क्लॉक साइकिल जनरेट हो जाएगी, Q3 जनरेट हो जाएगा हमारे पास। Q3 जो होएगा वो फिर से हमें क्या देगा, वन देगा, क्योंकि जीरो का उल्टा वन होता है। फिर से D0 के पास वन आ जाएगा, अब के बाद D1 के पास सिर्फ वन नहीं है, अब के बाद D2 के पास भी वन है फिर से, तो अब के बाद क्या होगा, D0 जो होगा वो फिर से वन दे देगा, D1 भी फिर से वन दे देगा,
T2 जो होएगा वो भी 1 दे देगा, इसको हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया तो ये 0 देगा और 0 को दोबारा से क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा 1 हो जाएगा एंड 1 जो है फिर से हम इसके अंदर सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। एंड ऐसी ऐसी साइकिल चलती रहेगी, जैसे तुम्हें मैंने अभी जो बताया है इसके अंदर पहले 000 दिए थे, फिर सबसे एक मिनट सॉरी इसके अंदर फिर 1 जनरेट हुआ, बाकी सबको कुछ नहीं दिया था तो 00 आउटपुट आए थे, फिर उसको दिया था दोनों को आउटपुट आ गए थे, उसका इनपुट उसका आउटपुट अब इनपुट बन गया था, डी नॉट का आउटपुट जो है D1 का इनपुट बन गया था, ठीक है। तो ये क्या होंगे फिर आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू नॉट का 1 हो जाएगा और Q1 का 1 हो जाएगा, बाकी दोनों के 00, फिर तीनों के 1 1 हो जाएंगे 0, फिर चारों के 1 हो जाएंगे 00, फिर उसके बाद वही साइकिल रिपीट होती रहेगी और वो साइकिल जो होगी आपकी रिपीट हो जाएगी, समझ आए? यस मैम। जिसको समझ नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हो जाएगा जब तुम बहुत मतलब कि ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, डीपली पढ़ोगे इस चीज को, बाकी मैंने ओवरव्यू में दे दिया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और मैंने इसी चीज को ये ग्राफ से मैंने समझा रखा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है पहले जो है पहले ये साइकिल जो है वो रेज होती है, क्लॉक साइकिल जैसे रेज है पूरे टाइम, ठीक है, पहले क्यू नॉट जनरेट होता है, फिर क्यू वन जनरेट होता है, फिर क्यू टू जनरेट होता है, ये उसका टाइम बता रखा है, पहले 1 होता है, फिर 1 फिर कब तक 1 रहता है देखो साइकिल में, जैसे ये जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये पूरी साइकिल्स दिखा रखे हैं, क्लियर है ना, जब हाई है और कब लो है, 1 पे हाई होता है 0 पे लो होता है, ये उसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है। यस मैम। ओके, तो डिकेड काउंटर हमारा क्लियर है। नेक्स्ट है 555 टाइमर आईसी, ठीक है। 555 टाइमर आईसी आई गेस पढ़ी होगी, बाकी मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। 555 टाइमर आईसी जो होती है ना वो बेसिकली आपको यूज होती है टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस के अंदर, जो भी टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि कुछ भी टाइम रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर आपकी 555 टाइमर आईसी यूज होती है। 555 टाइमर क्यों है इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, इसको डिजाइन ऐसे किया है इसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, इसलिए इसका ऐसे कॉन्सिडेंटली नाम इन्होंने 555 रख दिया है, ठीक है। 555 को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि 555 हमें स्टेबल टाइम डिलेज या फिर ऑसिलेशन, जो मैं तुम्हें अभी ऑसिलेशन की बात नहीं कर रही थी कि वो ऑसिलेशन जनरेट हुई थी, वो स्क्वायर पल्स जनरेट हुई थी, वो स्क्वायर पल्स कहां से जनरेट हुई थी, उस क्लॉक के अंदर वो यही जनरेट कर रहा था। अगर आपको देखो, अगर आपको पल्स जनरेट करनी है या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में देखा होगा, फंक्शन जनरेटर पता है किसी को, फंक्शन जनरेटर यूज करते हो गए, अलग अलग टाइप की वेव्स देता है वो, साइन वेव, स्क्वायर वेव, अलग अलग टाइप की, और आप दे देते हो इनपुट में। यस मैम। Yes, ठीक है। तो उसको सिर्फ हम ना जनरेट करने के लिए हम आपके पास फंक्शन जनरेटर यूज नहीं कर रहे, उसकी जगह हम 555 यूज कर रहे हैं वो क्लॉक जनरेट करने के लिए, ताकि वो काउंट करें, ठीक है। तो हम इसलिए 555 टाइमर आईसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, टाइम रिलेटेड ऑपरेशन के लिए, पल्स जनरेट करने के लिए, ऑसिलेशन जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है ना 555 का मतलब क्या होता है, येस और नो जल्दी बता दो। यस मैम। ठीक है, तो अब इसके पिन डायग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ग्राउंड पिन होती है, ग्राउंड पिन पता ही है सबको, ग्राउंडेड होती है, VCC होती है, जहां से VCC सप्लाई होती है, VCC जो होती है इसकी 4.5 से 15 वोल्ट के बीच में ही सप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद होती है ट्रिगर पिन्स, ये देखो ट्रिगर पिन्स और थ्रेशोल्ड पिन्स जो दिख रही होंगी तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, जो इसके अंदर लिखी हुई है 6 और 2 पे, इन दोनों का जो होता है ना, इन दोनों का रोल होता है, ये वोल्टेज को ना मैनेज करती है, कंट्रोल करती है पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है। अगर जब ये वोल्टेज कंट्रोल करती है ना उसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ये जो कंपैरेटर्स है ना कंट्रोल होते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो फ्लिप फ्लॉप बताया था मेमोरी चेंज होती है, ठीक है, मेमोरी का आउटपुट जो होता है वो चेंज होता है और उससे आपको एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। और इसी से हमारी जो पल्स जो होती है ना वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्क्वायर वेव में देखा होगा ना आपने कि ऊपर पहले जाते फिर नीचे जाते, ऊपर जाते नीचे जाते, ऊपर जाते नीचे जाते, देखते होगे। तो इस तरह से आउटपुट बार बार चेंज करने के लिए 1 0 1 0 1 0 करने के लिए जो है बेसिकली हम जो है थ्रेशोल्ड और ट्रिगर का बहुत बड़ा रोल होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल करती है एक तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है रीसेट पिन, रीसेट पिन मतलब कि पूरे को रीसेट करना, कि यहाँ पे देखो रीसेट लगी हुई है कि आप पूरे को दोबारा से रीसेट करना, आपको मतलब है कि जो आप चल रहा है उसको पूरा सिस्टम को दोबारा से रीसेट कर दो, ठीक है। कंट्रोल वोल्टेज को, कंट्रोल वोल्टेज जो होती है बेसिकली जो है कंपैरेटर जो होता है ना यहाँ पे हमारा कंपैरेटर, तो कंट्रोल क्या करती है इसके ना जो भी दो एंड्स होते हैं इन दोनों के ना वोल्टेज को कंपेयर करता है पहले। तो कंपैरेटर जो होता है ना एक तरह से ना ये लगा लो कि कंपैरेटर इज लाइक मतलब कि कंपैरेटर नाम से पता चल रहा है कि कंपेयर करता है दो वोल्टेजेस के बीच में। थ्रेशोल्ड अपनी एक वोल्टेज देता है, ठीक है, और यहां से एक और वोल्टेज आ रही होती है जो VCC के थ्रू आ रही होती है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होके। ये देखो 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ना तुम्हें,
तो यहाँ पे ना वोल्टेज डिवाइड होती है 2/3 और 1/3। वोल्टेज डिवाइडर रूल से लगाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो वोल्टेज आती है, एक थ्रेशोल्ड से आती है, एक इससे वोल्टेज आती है। तो कंपैरेटर क्या करता है, इन दोनों वोल्टेज में से कंपेयर करता है कंपैरेटर के रूल से, ठीक है। वो कंपेयर करता है फिर इनमें से ना एक वोल्टेज के पल्स में या तो हाई करता है या लो करता है। अगर ये वाली थ्रेशोल्ड ज्यादा होती है तो ये हाई कर देता है और 1 भेज देता है यहाँ आर पे, ठीक है। अगर लो, अगर ये वाली बड़ी होती है, ठीक है, दूसरी वाली नेगेटिव वाली, तो ये 0 भेज देता है आर में, ठीक है। ऐसे ट्रिगर में होता है, ट्रिगर में भी क्या होता है, ये नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है। अगर ये वाली एंड जो पॉजिटिव एंड हाई होता है तो फिर जो होता है ये 1 भेज देता है। अगर ये नेगेटिव एंड हाई होता है, मतलब कि ट्रिगर हाई होता है, तो ये 0 भेज देता है। इससे लॉजिक्स जनरेट होते हैं एंड आपका आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल पिन क्या करते हैं, इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे जो भी आ रही होती है 2/3। अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल से लगाओगे ना, जैसे 2R/R (VCC), आई गेस वोल्टेज डिवाइडर रूल 11th से पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगाओगे ना, तो तुम यहाँ पे ना वोल्टेज डिवाइड, यहाँ पे तुम वोल्टेज कंपेयर करते हो दो के बीच में, एक थ्रेशोल्ड के बीच में और जो वीसीसी सप्लाई हो रही होती है ना उसके बीच के अंदर, ठीक है। अब होता है, अब इसके अंदर आता है डिस्चार्ज पिन। अब थ्रेशोल्ड पिन को भी ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड पिन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्चार्ज पिन। यहाँ पे तुम्हें एक ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, इसके साथ ना क्या होता है, कोई कैपेसिटर वगैरह लगाओगे, ठीक है, तो उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के थ्रू, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, अगर चार्ज होता है तो ओपन सर्किट की तरह काम, डिस्चार्ज होता है तो ऐसे होता है ना, तो उसके अंदर, उसके थ्रू जो है ना, तुम इस थ्रेशोल्ड को ना कंट्रोल कर सकते हो इसी वोल्टेज। हेलो ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम, आप ऑडिबल हो? पूछ रहा था उसके कुछ दिक्कत। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारे पिन्स बता दिए हैं इसके अंदर, ये 8 पिन का होता है, ठीक है, सेट। और बेसिकली इससे क्या मिलता है, आपको टाइम डिलेज मिलते हैं, ठीक है। टाइम डिलेज मतलब कि बेसिकली ये लगा लो कि आपको ऑसिलेशंस मिलते हैं, जो हमें स्क्वायर पल्स जनरेट कर रहे होते हैं, इसके थ्रू जो आप वोल्टेज चेंज करते हो, वोल्टेज कंट्रोल करते हो, उसके थ्रू जो है आप आउटपुट जनरेट करते हो और आउटपुट को आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। 0, 1, 0, 1, या तो आप पूरा 0 ही रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो पूरा, कि वो स्ट्रेट पल्स आए, फिर वो लो में पल्स आए पूरी, या फिर आप 0, 1, 0, 1, 0, 1 का कॉम्बिनेशन, या 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी पल्स जनरेट होती है स्क्वायर पल्स, ठीक है। इसका काम यही होता है कि ये ऑसिलेशंस जनरेट करता है, स्क्वायर पल्स जनरेट करता है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। ये स्क्वायर पल्स जनरेट करेगा और वो स्क्वायर पल्स जो होंगी वो कौन लेगा, वो आपका काउंटर लेगा, एज अ क्लॉक लेगा, फिर वो काउंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। यस मैम। अब क्या होता है, 3 मोड्स होते हैं 555 के काम करने के, ठीक है। आपके जो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम जो है बेसिकली यूज कर रहे हैं वो एस्टेबल मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं फिर भी तीनों एक बार बता देती हूँ। 3 मोड्स होते हैं, ठीक है, एस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, ठीक है। पहले मैं बाइस्टेबल बताती हूँ, इजी वन पहले बताती हूँ, ठीक है। बाइस्टेबल का मतलब होता है, जैसे वो होती है 2 स्टेजेस होती है, ठीक है, आपके पास ना 2 स्विचेस होते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपने एक स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, एक स्विच को ऑन कर दिया, हाई हो गई आपकी पल्स, अभी आपके पल्स हाई है, हाई रहेगी कंटिन्यूअसली, जैसे आपकी वाली कर्सर देखना, जैसे पल्स हाई है तो ये कंटिन्यूअसली हाई रहेगी, ठीक है, हाई रहेगी जब तक आप दूसरा स्विच प्रेस नहीं करोगे। जैसे आप दूसरा स्विच प्रेस कर दोगे ये कॉन्स्टेंटली लो रहेगी, मतलब कि आप 2 मोड्स को कंट्रोल कर सकते हो, बाइस्टेबल नाम से पता चलता है, 2 मोड्स को कंट्रोल कर सकते हो, हाई मोड को भी लो मोड को भी, दोनों को इकट्ठे कंट्रोल करके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मोनोस्टेबल मोड। मोनोस्टेबल मोड क्या होता है, उसके अंदर एक ही स्विच होता है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो, आप मतलब कि आप हाई स्टेट को कांस्टेंट रख सकते हो, ठीक है, बट आप उसके दूसरी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ एक ही स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है एस्टेबल मोड, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी स्टेट को भाई कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो बार बार जो होगी वो पल्स जो है वो जनरेट होती जाएगी, क्लॉक 0, 1, 0, 1, 0, 1, वो कहीं पे भी स्टेबल नहीं होगी। जैसे स्टेबल इन द सेंस बहुत देर तक 0 या बहुत देर तक 1, वो ऐसे स्टेबल नहीं होगी, वो या तो 0 होगी फिर 1 होगी, 0 होगी 1 होगी, 0 होगी 1 होगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि मैं इसको सस्टेन कर सकूं पूरे टाइम 0 के लिए या पूरे टाइम 1 के लिए, आप उसे सस्टेन नहीं कर सकते, वो पूरे टाइम एक 0, 1, 0, 1, 0, 1 ऑसिलेट होती रहेगी और एक स्क्वायर पल्स देगी आपको। तीनों में डिफरेंस समझ आया? यस मैम। यस
ये सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है, और इसका मैंने इंटरवल सर्किट डायग्राम भी दिया। अब जो मैं तुमसे स्क्वायर पल्स की बात कर रही थी, देखो वो ऐसे जनरेट हो रही है, पहले यहाँ पे वन हुआ, फिर जीरो हुआ, वन हुआ, जीरो हुआ, वन हुआ, जीरो हुआ, बार बार ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इसी की बात कर रही थी मैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके चार्ज टाइम के ऊपर और डिस्चार्ज टाइम के ऊपर, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, देखो रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं और कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये किसके साथ लगे होते हैं, अभी मैंने तुम्हें डिस्चार्ज पिन बताई थी ना, उसके साथ लगे होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चार्ज करते हैं फिर डिस्चार्ज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो होती है, इन्हीं टाइम के अकॉर्डिंग जो होते हैं, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो होती है वो ऑसिलेट करती है, चार्ज होती है डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है डिस्चार्ज होती है, कॉन्स्टेंटली चार्ज और डिस्चार्ज होती जाती है, ठीक है, जिससे आपके ऑसिलेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। और वही ऑसिलेशन जो है फिर हम किसके अंदर पुट करते हैं, वही ऑसिलेशन एज हम क्लॉक यूज करते हैं, क्लॉक हमें मिल जाती है, क्लॉक से क्या होता है फिर हमारा जो है आउटपुट जो है हम लेते हैं और काउंट करते हैं उसे, बार बार काउंट करते हैं आप टू सम वैल्यू, और तुम ट्रैफिक लाइट को अगर उससे रिलेट कर पा रहे हो तो तुम कुछ समझ पा रहे होगे कि मैंने क्या बोला तुम्हें, कि हम ट्रैफिक लाइट में इसका हम कैसे यूज करेंगे, कि हम काउंट करने वाले हैं कुछ वैल्यूज तक, कि तब तक रेड लाइट चलेगी, येलो लाइट चलेगी, फिर ग्रीन लाइट चलेगी, आई गेस तुम समझ पा रहे होगे। यस मैम। सो थैंक यू एवरीवन, एंड कोई डाउट्स है तो यू आर फ्री टू आस्क। मैम आपने बोला था ना कि एस्टेबल मोड होता है जो 555 आईसी का, अगर वो फ्लक्चुएट होती रहती है तो हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं फिर, अगर वो खुद से 0101 करती रहती है बार बार? अच्छा, फ्लक्चुएट होती रहती है मतलब कि वो 0101 दे रही है। अच्छा, 0101 का मतलब एक और बात समझ आते हैं कि 0101 मतलब कि आउटपुट जो है एक नहीं रह रहा आउटपुट, या तो आउटपुट बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लॉक का काम ना कामाक्षी यही होता है कि आउटपुट को बार बार ना चेंज करना होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने ना क्या करा, एक मेमोरी स्टोर कर ली, तुमने कुछ इनपुट दिया, मैंने ना कुछ ना एक चीज के अंदर मैंने इनपुट दे दिया एक सर्किट के अंदर, ठीक है, मैंने एक सर्किट के अंदर कुछ इनपुट दे दिया और उसे स्टोर करा के रख लिया, बट मुझे एक टाइम के बाद ना उसको ना चेंज करना है, अपने आप ही वो चेंज होता रहे बार बार, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ना क्लॉक का यूज करती हूँ, क्लॉक जो होता है ना वो एक इनपुट नहीं देता, वो तभी दो मतलब कि वो बार बार ना ऑसिलेट होता रहता है 0101 0101, ठीक है, ताकि वो चेंज होता रहे, वो एकदम ऐसी मेमोरी स्टोर ना रहे, वो चेंज होती रहे, उसके अंदर तो यूज आता है हमारा। एस्टेबल को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना? अरे मतलब उसके बीच के टाइम को है ना आप उन कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक 2 सेकंड के बाद चेंज हो या फिर 30 सेकंड के बाद चेंज हो, उस अकॉर्डिंग ऑफ उनको ऑटोमेटिक वो अपने आप चेंज होती रहेगी, उनको कोई ट्रिगर एक्सटर्नल तरीके से चेंज नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल कर रहे हो तुम वो ऑसिलेशंस जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कि 1 या फिर 0, वो अलग अलग स्टेबल मोड्स जो है हमारे पास, जैसे बाय स्टेबल है, मोनो स्टेबल, या तो 1 ही रहे या 0 ही रहे, या तुम्हें 1 ही रखना है तो तुमने मोनो स्टेबल, समझ रहे हो? यस मैम, समझ गई। एनी डाउट्स? नो मैम। सो कुणाल आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो देखो यार, सपोज काउंटर और 555 समझ में आया, पहले बताओ मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो यस सर। यार हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था ट्रैफिक लाइट बनाना, तो ट्रैफिक लाइट के अंदर मेनली 555 यूज हो रही थी और एक काउंटर यूज हो रहा था, तो मुझे पता है कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये चीज कैसे काम कर रही है हमारे इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमारा मेन एम है सर्किट बनाना और पीसीबी बनाना, ठीक है। तो अभी मैम ने 555 से क्लॉक बनाना बताया था, क्लॉक का मतलब तुम्हें सबको समझ में आएगा, 0101 0101 ऐसे जनरेट हो जाता है। तो 555 के ए स्टेबल मोड का जो सर्किट है ना, वो सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, उससे हमें 3 नंबर पिन आउटपुट के अंदर एक क्लॉक मिल जाएगी, ये बात सबको समझ में आती है? 555 के स्टेबल मोड से हमें क्लॉक मिल जाएगी, यस और नो? यस सर। अच्छा ठीक है, तो हमें क्लॉक बनाने तक का सर्किट आ गया 555 से, ठीक है। अब हमारी काउंटर आईसी क्या थी? काउंटर आईसी में तुमने देखा हो कि वहां पे लिखा हुआ था आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, ऐसे आउटपुट 9 तक था,
वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये था कि जैसे जब तुम क्लोक पिन पे क्लोक दोगे ना, जो 555 की 3 पिन से काउंटर आईसी की क्लोक पिन है वो कनेक्ट हो जाएगी, तो यानी एक तरह से काउंटर के अंदर क्लोक जाएगी, तो जब भी राइजिंग एज होगा ना क्लोक का, मतलब जब भी वो हाई होने वाली होगी, पहली बार जब हाई होगी तो आउटपुट 0 हाई हो जाएगा, ठीक है, जब दूसरी बार हाई होगी तो आउटपुट 1 हाई होगा, तीसरी बार होगी तो 2 होगा, ऐसे कर करके 9 तक चला जाएगा। तो तुम्हें काउंट समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आउटपुट 0 वाली पिन हाई हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, ये चीज समझ में आ रही है? Yes, मैं तुम्हें एक तरह से ये बता रहा हूँ कि ट्रैफिक लाइट बनेगी कैसे। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? सबको समझ में आया ना क्लोक से मतलब कैसे हर एक पिन हाई हो रही है? हेलो, हाँ सर, यस सर, ठीक ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं वैसे बताता हूँ सर्किट के अंदर आगे ट्रैफिक लाइट कैसे बनेगी। अब तुम सबको पता है अगर मैं वहां पे एक डायोड लगा दूं आउटपुट 0 के पॉइंट पे, आउटपुट 1 के पॉइंट पे, आउटपुट 3 के पॉइंट पे, एक मिनट मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ दीपक, एक मिनट रुक, मैं करता हूँ स्क्रीन प्रेजेंट। अच्छा देखो, लगातार 2 घंटे तक कंसंट्रेशन से सुनना काफी मुश्किल काम है ना, तो 1 घंटा हो चुका है। मैं 3 शेयर कर रहा हूँ सिमुलेशन ऑन करके, 5 मिनट का ब्रेक है, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसको देखो, जो जो लोग ब्रेक लेना चाहते हैं ब्रेक ले लो, पानी पी लो, वॉशरूम जाओ, 5 मिनट बाद वापस आ जाना, और जो लोग अभी बिजी नहीं है, मतलब जो लोग यहीं पर प्रेजेंट है, वो लोग वो सिमुलेशन देखो और कोशिश करो फिगर आउट करने के लिए कि हो क्या। ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा 5 मिनट बाद, पर तब तक तुम ट्राई करो, ठीक है? तो 5 मिनट का ब्रेक है, अभी 5:13 हो रहे हैं, 18 पे मिलते हैं सब लोग, 18 पे मैं दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है? और मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ प्रेजेंट है वो एक बार फिगर आउट करने की कोशिश करें कि वो क्या हो रहा है, ठीक है? ओके सर। एक्चुअली सर उसमें ये दिख रहा था कि वो खोलना एक वक्त था, जैसे क्लॉक पे वो एक मतलब एक ये साइकिल है पूरे रिपीट कर रही है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और जो मतलब जैसे आउटपुट है ना उसके अकॉर्डिंग इसके कनेक्शन है एलईडी से, जैसे 3 आउटपुट 4 आउटपुट इसके हैं ग्रीन के, तो इन पर जब वो आता है वेव तो ये ऑन हो जाती है, फिर रेड ऑन हो जाती है, फिर कुछ एक कुछ टाइम के लिए येलो ऑन हो जाती है, फिर वो मतलब रिपीट होता है साइकिल हर बार। सही है सही है, और सही ऑब्जर्वेशन है आउटपुट पहचान ले कि कैसे काम कर रहा है, मतलब बेसिक आइडिया पता चल चुका है योगेश को, और किसी को कुछ पता चला? हाँ सर, बस यही है कि जिस हिसाब से क्लॉक सेट हुई है कि कुछ टाइम तक वो वेट कर रहा है फॉर पर्टिकुलर टाइम, और वहां से कनेक्शन आउटपुट आ रहे हैं तो वो ग्रीन लाइट दे रही है, फिर वो कुछ टाइम फिर से वेट कर रहा है, क्लॉक फिर से उतनी देर वेट कर रही है जितना टाइमर सेट हुआ है उतने, फिर येलो दे रही है, फिर सेम गोज फॉर रेड। बिल्कुल सही, तो मतलब ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो सबको थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया होगा कि हाँ ट्रैफिक लाइट में काम क्या हो रहा है। मैं भी बता रहा हूँ कि अभी बताऊंगा ऑब्वियसली कि सारा एक एक कंपोनेंट क्या क्या काम है, हर एक चीज का कोई ना कोई काम है, कोई भी चीज फालतू में नहीं लगाई हुई, वो तुम खुद ही फिगर आउट करोगे, मैं तुम्हें साथ साथ बताऊंगा तो मैं खुद ही एकदम से फ्लैश हो जाएगा कि अच्छा ये इसलिए यूज किया था, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा फाइनल हमारा जो सीमेटिक है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है? सब लोग अपना प्रोटियस खोल लो, और गूगल मीट अगर लैपटॉप में चलाइए तो मिनिमाइज कर लो, कोई इश्यू नहीं है, मैं तुम्हें इस तरीके से इंडिकेट करूंगा, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि तुम बिना वीडियो के भी प्रोटियस चला लोगे, तो सब लोग गूगल मीट को मिनिमाइज कर लो और प्रोटियस खोल लो। मैं ऑब्वियसली इसको बंद कर रहा हूँ, नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के। तो देखो मैं तुमसे
क्वेश्चन जो पूछूंगा वो इस तरीके से पूछूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो पूछना, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर कोई वहां पे नहीं पहुंचा है उस जगह पे तो मेरे को उसी टाइम पे इंटरप्ट कर देना, क्योंकि हमारे पास हार्डली 20-25 मिनट्स है, उसमें हम बेसिक्स ऑफ प्रोटेस्ट तो कर लेंगे। तो सब लोग अभी होम पेज पर आ गए होंगे, कोई नहीं आए तो बता देना साथ साथ, ठीक है। होम पेज पे लिखा होगा तुम्हारा प्रोटेस्ट डिजाइन सूट 8.0, मेरा 8.1 वर्जन है, बाकी किसी के पास प्री इंस्टॉल्ड होगा तो 8.2 या 8.11 लेटेस्ट है जो वो भी होगा ही। देखो यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं, सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड, थीमेटिक कैप्चर, ये सारे इसके कह सकते हैं डाटा शीट्स है, हेल्पिंग के लिए कि आपको पीसीबी लेआउट कैसे बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सीख सकते हो अपने आप। तो हम लोग तो आपको हेड स्टार्ट देंगे कि आप बेसिक चीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसमें और चीजें अबाउट कि किसने बनाया कैसे बनाया, नीचे न्यूज है कि लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, जैसे प्रोटेस्ट प्रोफेशनल 8.11 बीटा 2, ये लेटेस्ट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेन चीज है वो आते हैं यहाँ पे स्टार्ट, इसमें हमारे पास चार टैब्स हैं और नीचे है रिसेंट प्रोजेक्ट जो हम मैंने लेटेस्ट यहाँ बनाए हैं। सबसे पहले है ओपन प्रोजेक्ट, यानी कि अगर तुमने पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया है या फिर किसी और ने तुम्हें कोई प्रोजेक्ट सेंड किया है वो तुम यहाँ से ओपन करोगे। इस बात का ध्यान रखना कि वो प्रोजेक्ट भी प्रोटेस्ट में ही बना होना चाहिए, ठीक है, तो ही यहाँ से ओपन होगा, या फिर उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, PDSPRJ। ओके, सेकेंड है न्यू प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोई भी नई चीज बनानी है तो यहाँ से जाएंगे। नेक्स्ट है इम्पोर्ट लेगेसी, इसका मतलब है अब जैसे अगर हमारा जो फॉर्मेट है वो PDSPRJ की एक्सटेंशन में नहीं है, मान लो जैसे ORCAD है, ORCAD में DSN एक्सटेंशन बनता है, तो उसमें तुम ओपन प्रोजेक्ट नहीं करोगे, उसमें तुम करोगे इम्पोर्ट लेगेसी। इम्पोर्ट लेगेसी पे जैसे अगर मैं गया यहाँ पे, देखो ब्राउज कर रहा हूँ, ब्राउज करने के बाद यहाँ देखो semantic.dsn, यानी कि DSN फाइल ही चलती है इसमें, और कैट जो है और कैट से तुम्हें प्रोटेस्ट में चलाना है तो तुम इम्पोर्ट लेगेसी करोगे। और ओपन सैंपल यानी कि कोई भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसके अंदर पहले से गिवन है, इनबिल्ट है, तुम यहाँ से सैंपल उसके ओपन कर सकते हो। तो हमें कहाँ जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में, तो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया, सब लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लो। उसके बाद आएगा स्टार्ट प्रोजेक्ट नेम, क्या रखना है, ट्रैफिक लाइट रख लेते हैं, PRAFFICLIDHT और नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे एक नया विजार्ड खुला, सिमेटिक डिजाइन। तो हमें सिमेटिक बनाना है कि नहीं, सिमेटिक क्या होता है, सिमेटिक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमें बनाना है या नहीं बनाना, ऑब्वियसली बनाना ही है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रिएट पे हम चेक कर देंगे, डू नॉट वाले को अनचेक कर देंगे और ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगा। इसमें देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लैंडस्केप A0A1, नीचे पोर्ट्रेट A0A1, इसको याद रखना कि ये देखो A0A1, A2, A3, A4। अब मैं इसका फर्क तुम्हें जब हमारा सिमेटिक खुलेगा तो बताऊंगा कि सिलेक्ट करने से क्या होगा, अभी इसको डिफॉल्ट पे रहने दो, डिफॉल्ट पे फिर करो नेक्स्ट। अब आ रहा है कि पीसीबी लेआउट, डू नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट या फिर क्रिएट, किसी को कोई डाउट है सर? इसमें मेरे प्रोटियस में डिफॉल्ट नहीं है डिजाइन टेम्पलेट्स में, इसे प्रीवियस में। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये कर लो पोर्ट्रेट A4 कर लो। ऑलराइट, हाँ ठीक है, जैसे तुम अभी एक्टिव हो ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि मेरा शायद वर्जन 8.1 है, तुम्हारा शायद अलग होगा, तो साथ साथ बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा ऑल्टरनेट क्या है उसका। तो पोर्ट्रेट A4 कर लो, फिर करो नेक्स्ट। फिर यहाँ पे हम करेंगे ऑब्वियसली पीसीबी लेआउट में क्रिएट ए पीसीबी लेआउट, इसमें डिफॉल्ट है, अगर नहीं है तो जेनरिक सिंगल लेयर भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट कर लो। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे लेयर यूसेज आ रहा है अलग अलग। अब इसमें जैसे लिखा है ARES लेयर, इनर कॉपर 1 से लेके इनर कॉपर 14 तक, और राइट साइड पे भी ERS लेयर है मैक 1 से मैक 4 तक। देखो अब लेयर्स का क्या मतलब है, अभी भावना मैम ने भी समझाया लेयर्स का क्या मतलब था। सर इसमें नेक्स्ट में ये नहीं आया, ये आया कि नो फायरफ्रेम प्रोजेक्ट क्रिएट फायरफ्रेम। यस सर, मेरे भी नहीं आया ये। यस सर, मेरे में भी नहीं आया। अरे कुछ स्टैक अप करके आ रहे हैं, 4-5 कलर खुल गए, येलो ग्रीन। अच्छा उसमें नेक्स्ट का ऑप्शन है तो नेक्स्ट कर दो डायरेक्ट। अगर फैमिली कंट्रोलर कंपाइलर ये आया सर, मतलब क्रिएट फायरफ्रेम ये वाला है, फर्मवेयर वाला। यस सर। अच्छा इसमें नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट करना है, ऑप्शन आ रहा है नो फर्मवेयर का। हाँ सर, ठीक है। तो ये भी नहीं आ रहा।
मैं फिर भी तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो एडवांस वर्जन ही यूज करोगे। जैसे कॉपर लेयर्स जो होती है ना, वो ये होती हैं, जैसे तुम घर में रहते हो, अगर फर्स्ट फ्लोर है, सिर्फ एक ही फ्लोर है, उसमें 15 लोग घुसे पड़े हैं, अब तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा जो घर का हेड है वो सोचेगा चलो कॉपर फ्लोर बनाते हैं, आधे लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, वही इसका काम है। लेयर्स हम लोग पीसीबी में भी कर सकते हैं अगर कॉम्पोनेंट्स ज्यादा हो गए हैं तो, है ना। तो अगर टू लेयर है तो एक पीसीबी के अपर साइड और लोअर साइड, उसको हम टू लेयर कह देते हैं। फोर लेयर का मतलब क्या है कि टू पीसीबी एक के ऊपर एक, दोनों के अपर लोअर और अपर लोअर साइड, ठीक है। और ARES जो हमारा जैसे प्रोटीज के अंदर दो चीजें हैं, एक सिमेटिक और एक पीसीबी। पीसीबी बनाते हैं ARES की हेल्प से, और ISIS है जिसके हेल्प से सिमेटिक बनाते हैं। तो मैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें फॉर्मवेयर तक तुम पहुंच गए होगे, इसमें नो फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट फॉर्मवेयर तब करोगे जब तुम्हें कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज करना हो। अगर हमें तो माइक्रो कंट्रोलर यूज करना ही नहीं, जैसे 8085 या 8051 करना हो, तो तुम क्रिएट करोगे। अभी हमें नहीं करना, तो नो फॉर्मवेयर करके नेक्स्ट कर दो। और लास्ट में समरी में आना चाहिए सिमेटिक के आगे टिक, और लेआउट के आगे एक टेक आना चाहिए। फॉर्मवेयर में कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिनिश कर देंगे। सब लोगों ने फिनिश कर दिया। उसके बाद ब्लैक कलर की स्क्रीन आनी चाहिए जिसमें व्हाइट कलर के डॉट्स हैं, ऐसा कुछ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है सर, टिंकरकैड पे नहीं होगा? टिंकरकैड पे हो सकता था, पर टिंकरकैड में बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है वो। इसमें आप पीसीबी लेआउट बना सकते हो, टिंकर कैड पर पीसीबी लेआउट नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ स्क्वायर आ रहा है मेरे वाले में तो। ऐसे देखो मेरी स्क्रीन में देखो ऐसा कुछ आ रहा है? यस सर, ऐसे ही आ रहा है। एक ही बात है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ सब लोगों की ब्लैक कलर का बैकग्राउंड और व्हाइट कलर के स्क्वायर्स या डॉट्स या खाली ब्लैक स्क्रीन भी आ गई है, कुछ भी चलेगा। तो देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखो फाइल है, फाइल के नीचे एक व्हाइट कलर का पेज होगा जिसमें लिखा है न्यू प्रोजेक्ट, उसके नीचे है थीमेटिक कैप्चर, ISIS का साइन भी होगा, उसमें क्लिक करो। उस टैब में जब क्लिक करोगे तो देखो ऐसा कुछ आना चाहिए तुम्हारे पास, A4 साइज की शीट ब्लू कलर के बॉक्स में, और एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और ग्रे कलर के स्क्वायर्स। देखो सब आ रहा है ना ये? तुम जब पीसीबी यहाँ पे थे ना ब्लैक कलर वाले बॉक्स में, तो ये पीसीबी लेआउट था। अब तुम्हें जाना है सिमेटिक में, ये देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ फाइल लिखा है ना, उसके नीचे एक होगा न्यू प्रोजेक्ट, उसके नीचे एक टैब है सिमेटिक कैप्चर, वहां पे क्लिक करना है। सर ये बॉक्स नहीं आ रहा सर, मैंने क्लिक तो करा पर सर बॉक्स क्या है, सिंपल ग्रीन बैकग्राउंड आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, वर्जन का फर्क होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आएगी तो बाद में देखते हैं। अच्छा तुम्हारे ग्रे कलर के स्क्वायर्स आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, मेन तो वही है। यस सर। अब इसमें मेन चीज सबसे पहले जूम इन जूम आउट कैसे करना है। जिसके पास लैपटॉप है वो तो सिंपल अपना पिंच आउट और पिंच इन, मतलब समझते हो ना, टू फिंगर्स को साथ में रख के अगर तुम दूर लेके जाओगे तो जूम इन हो जाएगा, अगर तुम पास लेके जाओगे तो जूम आउट हो जाएगा। जिसके पास लैपटॉप नहीं है माउस से कर रहा है, वो स्क्रॉल डाउन करे तो जूम इन होगा, स्क्रॉल अप करेगा तो जूम आउट होगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड फीचर जो है पैनिंग। पैनिंग का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे जूम इन तो कर लिया पर अब कहीं और जाना है, तो फिर उसमें लेफ्ट साइड पे जहाँ पे सिमेट्रिक कैप्चर का टैप था ना, उसके नीचे एक ग्रीन कलर का स्क्वायर होगा, एक ग्रे कलर के बैकग्राउंड वाले स्क्वायर पे, उसमें तुम सिंगल क्लिक करो, सिर्फ क्लिक करना है, ड्रैग नहीं, लेफ्ट क्लिक करो और उसको तुम हिलाओ, उसको जैसे तुम जहां जहां पे भी जाओगे वहां वहां पे वो पैन होगा। पैन का मतलब समझते हो ना, मतलब कि कैमरा शिफ्ट होगा, कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो वो होगा उससे। तो ये तीन मेजर चीज थी। इसके अलावा अब एक एक टूल का फंक्शन समझना है हमें। जो लेफ्ट साइड पे सबसे लेफ्ट साइड पे देखना, सबसे ऊपर सिमेटिक कैप्चर के ऊपर लिखा होगा सिलेक्शन मोड, जो कर्सर है, तुम्हें कोई चीज सिलेक्ट करनी है। जैसे तुम्हें कोई अभी सब लोग अपने प्रोटीज पे रहना, ठीक है, मैं अभी एक एक तुम्हें बात बता रहा हूँ क्या क्या करना है। तो जो कर्सर है इससे तुम कोई भी वायर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, वो इसी से होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो तुम्हें एक येलो कलर का ट्राइंगल होगा जिसमें थ्री लाइन्स है, कॉम्पोनेंट मोड लिखा होगा उसमें, उसमें लेफ्ट क्लिक करो, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब राइट साइड में जहां तुमने पैनिंग करी थी ना, उसके नीचे पी और एल होगा, ठीक है। पी का मतलब होता है पिक लाइब्रेरी, और एल का मतलब होता है लाइब्रेरी मैनेजर,
अब एल में जब तुम क्लिक करोगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज खुल जाएंगी। लाइब्रेरीज मतलब समझते हो, अब जैसे हमें पता है कि हमें डेकेड काउंटर चाहिए और उसका फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे पता कि उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसके अंदर कोडिंग करके पहले से ही एक लाइब्रेरी बना दी जाती है कि भाई 4017 का मतलब है कि भाई डेकेड काउंटर चलना चाहिए, उसके अंदर ये पहले से कोडिंग करके लाइब्रेरी के अंदर डाल दिया। तो अगर हमें सारी की सारी लाइब्रेरीज देखनी है प्रोटियस के अंदर तो तुम एल पे जाओगे, पर पी का मतलब है पिक कंपोनेंट कि तुम्हें कौन सा कंपोनेंट चाहिए। जब तुम इसमें पिक में क्लिक करोगे एक पिक डिवाइसेस करके एक टैब खुलेगा, मतलब पॉपअप खुलेगा, इसमें कीवर्ड्स होगा, उसके अंदर तुम्हारा ब्लिंक कर रहा होगा कर्सर, उसमें तुम देखो हम लोग डेकेड काउंटर बनाते हैं पहले 555 बाद में करेंगे, तो उसका नंबर क्या था 4017, तो वहां पे लिखो 4017, एंटर पे कुछ मत दबाना, अपने आप ऑटोमेटिक सर्च हो रहा है, राइट साइड में रिजल्ट्स आएगा, मेरे में 11 लिखा रहा है, तुम्हारे में शायद ज्यादा कम या ज्यादा होगा, टॉप वाला जो है ना डिवाइस 4017 राइट साइड में लिखा भी होगा डिस्क्रिप्शन के अंडर, जॉनसन डेकेड काउंटर विद 10 डिकोडेड आउटपुट्स, इसमें तुम डबल लेफ्ट क्लिक करना, कोई एंटर मत दबाना है, ओके मत करना, सिर्फ डबल लेफ्ट क्लिक, तुम्हें लग रहा होगा कुछ नहीं हुआ पर लेफ्ट साइड में देखो पी और एल के नीचे 4017 लिखा आ जाना चाहिए, इसका मतलब तुम्हारी लिस्ट के अंदर 4017 आ चुका है। अब हमें और क्या क्या चाहिए इसमें, अब हमें चाहिए एलईडी। सर ये वाला एक बार फिर से बताना, हम लाइब्रेरी में हम गए फिर क्या किया? लाइब्रेरी में नहीं जाना, एल को नहीं दबाना, एल को दबाने से लाइब्रेरी में जाएंगे जो हम यूज नहीं करते जनरली, पी में जाना है, पी में क्लिक करो, उसमें जब तुम पी में क्लिक करोगे तो पिक डिवाइसेस का टैब खुलेगा, कीवर्ड्स के अंदर एक सेकेंड होल्ड करना, तो पी में गए, कीवर्ड्स के अंदर एक टैब होगा जो ब्लिंक कर रहा होगा, उसके अंदर तुम्हें लिखना है कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए, जैसे तुम्हें चाहिए 4017 तो तुम लिखोगे 4017 और कुछ नहीं दबाना, सिर्फ लिखना है, कोई एंटर नहीं दबाना, कोई ओके नहीं दबाना, राइट साइड में सबसे ऊपर वाला जो है डिवाइस का नाम है 4017 और उसके सबसे राइट साइड में लिखा होगा डिस्क्रिप्शन जॉनसन डेकेड काउंटर विद 10 डिकोडेड आउटपुट्स, उसको डबल क्लिक करना है, और जब तुम डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कुछ नहीं हो रहा पर लेफ्ट साइड में पीओरएल जहां था ना उसके नीचे 4017 लिखा आ चुका होगा, यानी कि वो कंपोनेंट हमारी लिस्ट में आ गया। okay, अब तुम इसके ठीक है जो सबसे राइट साइड में देखोगे, यही चीज सिलेक्ट कर रखे हैं तुमने, राइट साइड में देखोगे तो वहां पे 4017 प्रीव्यू होंगे, दो थीमेटिक मॉडल 4017 और उसके नीचे ब्लैक बैकग्राउंड में ग्रीन कलर की और पिंक कलर की लाइंस होंगे पीसीबी प्रीव्यू, ये दोनों चीजें हैं उसके सिमेटिक और पीसीबी में, वो दिखेगा कैसे, ये चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें है ना, जैसे एलईडी तुमने सर्च किया उसमें ना डिवाइसेस में 3-4 एलईडी आ जाएंगी रेड ग्रीन ब्लू, तो उसमें तुम देखना सिमेटिक मॉडल तो सबका होगा ही, कि पीसीबी प्रीव्यू भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुम्हें वो क्रिएट करना पड़ेगा पीसीबी में, वो ऑब्वियसली हम कल सीखेंगे जब पीसीबी बनाएंगे, पर आज के लिए ध्यान देना कि अगर ऐसा मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो हम क्रिएट करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो 4017 तो हमने कीवर्ड सर्च कर लिया, और हमें क्या क्या चाहिए, एलईडी भी तो चाहिए, तो एलईडी सर्च करते हैं, एलईडी सर्च करोगे राइट साइड में बहुत सारे 150 से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, कोई सिलेक्टेड होगा, नीचे तुम स्क्रॉल डाउन करो, एलईडी सिलेक्टेड होगी ग्रे कलर में, है ना, एलईडी सिलेक्टेड होगी, उसके नीचे जाओगे तो एलईडी कलरफुल भी आएंगे, एलईडी ग्रीन, एलईडी रेड और एलईडी येलो, और डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा एनिमेटेड एलईडी मॉडल ग्रीन, एनिमेटेड एलईडी मॉडल ऐसे करके, उसमें तुम करोगे डबल क्लिक, ग्रीन में डबल क्लिक, रेड में भी डबल क्लिक, येलो में भी डबल क्लिक, डबल क्लिक करोगे देखो लेफ्ट साइड पे लिस्ट अपने आप आ चुकी है, ठीक है, तो अब इसके बाद तुम एंटर दबा सकते हो, एंटर दबाओगे तो ये जो पीस पिक डिवाइस का टैब था वो खुल गया, तो एंटर दबा दो सब लोग, वो बंद हो जाएगा मतलब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, सब कुछ यहाँ तक लिस्ट बन गई ना तुम्हारी, मेन तो हमने अभी सिर्फ 4 डिवाइसेस करे, 4017 और 3 एलईडी, सर ये एलईडी की पीसीबी प्रीव्यू है नहीं तो, हाँ वो बनाना सीखेंगे अभी, मतलब कल सीखेंगे, आज नहीं, कोई हाँ कोई बात नहीं, अगर जैसे तुम एलईडी सर्च करते हो ना जिसमें कोई कलर नहीं है उसमें शायद प्रीव्यू होगा, तो अगर तुम्हें कलर का कोई कलर नहीं चाहिए तुम्हें तो तुम वही यूज कर सकते हो, तो ठीक है यहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि सबका हो गया, नहीं हुआ तो प्लीज मेरे को इंटरप्ट कर देना। तो अब सब लोग प्रोटियस को मिनिमाइज करके गूगल मीट वाले टैब खोलो, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी सारे फंक्शन बता रहा हूँ जो कि मतलब पता होने चाहिए पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है सब लोग गूगल मीट खोलो। तो हाँ सब, मैं मान रहा हूँ सबने खोल लिया होगा, तो जैसे मेरे को कोई कंपोनेंट यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैंने 4017 पे सिंगल क्लिक किया लेफ्ट,
वो अपने आप सेलेक्ट हो चुका है, ड्रैग नहीं करना, एक पेंसिल बनी आएगी, जैसे मेरे में तुम्हें दिख रहा होगा पेंसिल बनी आ रही है यहाँ पे, इसमें जब तुम सिंगल लेफ्ट क्लिक करोगे पिंक कलर की आउटलाइन आएगी उस आईसी की, ठीक है, ये मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा जब कर रहे हो, अभी सिर्फ तुम स्क्रीन पे देखना, और इसको लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मान लो कि एलईडी ग्रीन ये मैंने सेलेक्ट की, सिंगल क्लिक लेफ्ट, यहाँ पे जाके सिंगल लेफ्ट क्लिक और दोबारा सिंगल लेफ्ट क्लिक, बस इतना ही काम किया मैंने, ठीक है। अब मैं कुछ इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, सिर्फ कनेक्ट करना देख रहा हूँ कैसे होता है, मतलब तुम्हें बता रहा हूँ कैसे होगा। पेंसिल को जब तुम 14 के पास लेके जा रहे हो तो रेड कलर का स्क्वायर आ रहा है, पेंसिल ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है, उसको जब तुम लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो दोबारा व्हाइट में व्हाइट कलर में चेंज हो चुकी है, मतलब वहां पे हमारी वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब तुम इसको जहां मर्जी लेके जाओ हमारी वायर वहां हमारे पेंसिल के पीछे पीछे जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर इसका कहीं ज्वाइंट बनाना है तो वहां पे तुम फिर से लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, तो वहां पे ज्वाइंट बन जाएगा एक, ठीक है। और तुम इसको यहाँ पे एलईडी ग्रीन में कनेक्ट कर दो, एलईडी ग्रीन में कनेक्ट कर दिया तुमने। अब मतलब करना मत, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, यहां से लेके 15 पिन के साथ, ठीक है। अब मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो इंटरसेक्शन है ना ये कनेक्टेड नहीं है, क्यों नहीं है कनेक्टेड, क्योंकि ये ब्रिज की तरह है, यहाँ पे कोई कनेक्शन का डॉट नहीं है। अब अगर तुम्हें वो कनेक्शन यहाँ पे लाना है तो कैसे लाओगे, हमारा नेक्स्ट जो टूल है जंक्शन डॉट मोड, इसमें क्लिक करो और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फिर क्लिक करो, ये सर्कल में बन चुका है, इसका मतलब कि ये एक जंक्शन बन चुका है, ये चारों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ज्यादा यूज नहीं होता है पर फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जंक्शन मोड के बाद नेक्स्ट चीज है लेबल, इसको बोलते हैं वायर लेबल, जैसे कोई वायर है ये वाली, मैं इसमें क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लेबल डाल सकता हूँ कि भाई ये वायर है मेरी, तो यहाँ पे वायर देखो लिखा आ चुका है। मैं इसको इसमें मैं स्टाइल में जाके इसका मैं फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे हाई चेंज करनी है तो फॉलो ग्लोबल में टिक करो, अनचेक करो, मतलब ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं करना, मेरे को अपना करना है, तो यहाँ पे मैं 0 जितना मर्जी कर सकता हूँ, ओके। और ये देखो हो चुका है ना, ये काम आता है अगर आपका सिमेट्रिक कोई और देख रहा है तो। नेक्स्ट है टेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इसमें जब तुम क्लिक करोगे तो काफी बड़ा टेक्स्ट आएगा, इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, और जैसा ये है ओके वैसा के वैसा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो भी तुमने लिखा होगा। नेक्स्ट है बस मोड, अब ये भी वायर की तरह दिखती है पर वायर ये है नहीं, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, एक सेकंड, ये जो बस वाला फंक्शन है ये हर पिन के साथ कनेक्ट नहीं होता, जैसे मैं 12 के साथ कर रहा हूँ कनेक्ट नहीं हो रहा, गायब हो गई, क्योंकि ये सिर्फ उसी के साथ कनेक्ट होता है जिस जो कि बस एक्सेप्ट करती है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, ऐसे नहीं कि तुम किसी भी पिन के साथ अटैच कर सकते हो उसको, तो जनरली इसको यूज नहीं करते। जब तुम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर यूज करोगे उसमें कोई बस की अगर कोई स्पेसिफिक पिन होगी तब भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट मोड, सब सर्किट मोड, अगर तुम्हें कोई सर्किट बनाना है, जैसे हमने डेकेड काउंटर का फ्लिप फ्लॉप वाला भी इंटरनल डायग्राम देखा, अब अगर मुझे वो इंटरनल डायग्राम किसी और चीज का बनाना है तो वो मैं सब सर्किट से बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आउट इनपुट ले लिया, यहाँ पे ऐसे करके अभी इनपुट बन चुका है मेरा, अब इसके अंदर मैं अलग अलग पिन्स अटैच कर सकता हूँ और अपनी एक नई आईसी बना सकता हूँ, उसके लिए ये यूज करेंगे ये वाले सब सर्किट मोड। नेक्स्ट है टर्मिनल मोड, अब टर्मिनल मोड में देखो काफी सारी चीजें हैं, इनपुट आउटपुट BIDR यानी कि बाई डायरेक्शनल पावर ग्राउंड चेसिस बस। तो अब जैसे कोई वायर है ये हम लोग PCB में हम लोगों ने उसके लिए पोर्ट बना दिया, कोई जैसे वो होता है ना जंक्शन बना दिया कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव देना यहाँ पे नेगेटिव, और बैटरी उन्होंने लगाई नहीं, इनबिल्ट बैटरी नहीं है, बाहर से बैटरी है। तो बाहर से अगर बैटरी है तो हम सिमेटिक में थोड़ा ना उस बैटरी को बनाएंगे, पर कोई सिमुलेशन करने के लिए तो हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी ना, उसके लिए हम लोग ये वाली चीजें यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई इनपुट है, कोई पावर देनी है, कोई ग्राउंड देनी है, जैसे ये वाली ग्राउंड का सिंबल है, ये ग्राउंड देना है, ये PCB में बनाने की नहीं बनेगा पर ये सिमुलेशन का टाइम एक्टिवेट रहेगा सारी वाली चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस पिन मोड, अब जैसे मैंने ये तो बना दिया सर्किट, अब इसके अंदर मेरे को पिन्स बनानी है, जैसे ये आ गया मेरे को कोई ये क्लॉक का फंक्शन है, पॉजिटिव क्लॉक की पॉजिटिव क्लॉक पे काम करना चाहिए, तो इसको तुम ऐसे करके पिन बना सकते हो, अलग अलग ऐसी बहुत सारी पिन है, बस जैसे बस पिन मैंने कही थी ना, बस पिन होगी तो उसमें बस बल्ब बनेगी, तो ये रही वो बस पिन, यहाँ पे फिर बस अटैच कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर फिर तुम्हें कोडिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज में जाके कि ये है क्या चीज, जैसे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूं, इसकी प्रॉपर्टीज ये है ये वाली, तो ये वाली चीज तुम्हें यहाँ पे भी खुद लिखनी पड़ेगी
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है, पर तुम बना सकते हो खुद भी। नेक्स्ट है ग्राफ्स। अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ देखना है, अगर डिजिटल इनपुट है तो तुम डिजिटल इनपुट ग्राफ यूज करोगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी डीसी स्वीप एसी स्वीप कोई भी ग्राफ तुम्हें लगाना है तो तुम इनमें से यूज कर सकते हो कोई भी। जैसे मैं डिजिटल यूज एनालॉग यूज करते हैं, ये बन गया एनालॉग ग्राफ, यहाँ पे तुम इनपुट कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज इसको बोलते हैं एक्टिव पॉपअप। इसका मतलब है, चलो इसका मैं तुम्हें जब सिमुलेशन एक्चुअल करेंगे तब बताऊंगा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, अभी इसको रहने तो बाद में बताता हूँ। ये है जनरेटर मोड, कि बेसिकली यही चीज हम यूज करेंगे हमारे सर्किट को पावर देने के लिए, कि तुम्हें डीसी वेव चाहिए, साइन वेव चाहिए या पल्स वेव चाहिए, या फिर कोई भी चाहिए, डिजिटल क्लॉक डिजिटल पल्स भी चाहिए तो तुम यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ डीसी से किया डबल क्लिक, और एनालॉग टाइप वोल्टेज सेट कर सकते हैं कितनी, हमारी आईसी 5 वोल्ट्स के तो 5 ही यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसमें साइन वेव पल्स वेव कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। नेक्स्ट है प्रोब्स, यानी कि वोल्टेज करंट या टेप, इनमें से कुछ भी चीज हम लोग वोल्टेज मेजर करनी है किसी वायर के अक्रॉस तो हम वोल्टेज वाला ये यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है इसको, क्लिक किया तो देखो ये पिंक कलर में शिफ्ट हो चुका है, और इसको तुमने बस यहाँ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे जब तुम सिमुलेट ऑन करोगे तो यहाँ वोल्टेज लिख के आएगी, ये भी मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें जब हम एक्चुअल सिमुलेशन करेंगे। ये तो मैंने कुछ भी बना दिया ना, वैसे करंट एमिटर है, और टेप का मतलब है कोई अगर ऑडियो है तो टेप में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसके लिए ये यूज करेंगे। लास्ट है इंस्ट्रूमेंट्स, ऑसिलोस्कोप और ये सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे डीसी वोल्ट मीटर है, तुम यहाँ पे डीसी वोल्ट मीटर लगा सकते हो, डीसी एम मीटर, I2C डीबगर, यानी कि I2C कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ आ रही है तो फिर इससे तुम चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ऊपर से बता रहा हूँ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इसके नीचे वाले जो हैं ये वही है कोई भी सब सर्किट बनाने के लिए, अगर तुम्हें कुछ भी यूज करना है, डिजाइनिंग का काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये तुम्हें सिंपल टूल्स पता चल चुके हैं हर एक फंक्शन। तो आगे करना है क्या फिर, आज सिमुलेशन करें, बताओ, थक तो नहीं गए, टाइम काफी हो गया वैसे, चलो ठीक है कल ही करते हैं फिर सिमुलेशन। अच्छा किसी को कोई डाउट है आज के कोई भी लेक्चर में, जैसे सुबह वाला मतलब पहले वाला भावना मैम ने जो कराया था, और जो भी वाला है, किसी में कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है,